नमस्कार आप सभी का। मेरा नाम अंकित है और मैं आज आप सभी का आज की करियर क्लास में स्वागत करता हूँ। करियर क्लास युवा जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया, यूनिसेफ इंडिया और आसमान फाउंडेशन की एक पहल है। आज के सेशन का नाम है हारी बाजी को जीतना हमें आता है। ये सेशन हमारे पास लेके आई है मिस आकांक्षा भाटिया। नमस्कार आप सभी का। मेरा नाम अंकित है और मैं आज आपके पास करियर क्लास लेके आया हूँ। ये करियर क्लास सप्ताह में 3 बार आपके पास लेके हम लोग आते हैं, हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। सोमवार को हम लोग एक सेलिब्रिटी एक्सपर्ट को लेके आते हैं जो आपको बताता है कि उस करियर को आगे कैसे आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं। बुधवार को शाम को 5 बजे हम लोग जॉब रेडीनेस के तहत आपके पास सेशन लेके आते हैं। ये सेशन के अंदर हम आपको बताते हैं कि आप सक्षम कैसे बन सकते हैं जॉब को प्राप्त करने के लिए। जैसे पिछले कुछ सेशन में हमने देखा था कि आप जॉब सर्च कैसे कर सकते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं और कम्युनिकेशन को अपने कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हर शुक्रवार को शाम को 5 बजे हम आपके पास मनोवैज्ञानिक की सहायता के लिए सेशन लेके आते हैं। जैसे हमने पहले देखा था कि एग्जाम्स के अंदर जब हमको स्ट्रेस होता है तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, और आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है कि फेलियर को हम लोग कैसे संभाल सकते हैं, उसे कैसे कोप अप कर सकते हैं। आकांक्षा भाटिया पहले भी हमारे साथ शुक्रवार को जुड़ी हैं और उन्होंने कई इंटरेस्टिंग सेशन लिए हैं जो आप लोगों ने उसकी खूब सराहना भी की है। इसके लिए मैं आकांक्षा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और आज फिर से एक बार आप सबके सामने आकांक्षा जी का इंट्रोडक्शन दूंगा। तो आकांक्षा जी का इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ। आकांक्षा जी एक कुशल विद्वान, शिक्षाविद और मनोविज्ञानी हैं। उन्होंने BA की पढ़ाई करते हुए अपने कॉलेज और नॉर्थ कैंपस में टॉप किया था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से MA मनोविज्ञानिक के दौरान तीसरा स्थान भी हासिल किया है। इसके अलावा उन्होंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली विश्वविद्यालय से BA कंप्लीट किया है। हाल ही में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक विभाग में अपनी PhD सबमिट की है। उन्होंने UGC नेट JRF क्वालिफाई किया है और वर्तमान में UGC सीनियर रिसर्च फेलो है। वह हमारे देश में शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य की बारीकियों को गहराई से समझती हैं, जो कि उनके आवश्यकता आधारित और एक्शन उन्मुख दृष्टिकोण को दर्शाता है। वह इससे पहले दौलतराम कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में मनोवैज्ञानिक के सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर चुकी हैं। मैं कांचा जी का स्वागत करूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज का सेशन को आगे बढ़ाए। धन्यवाद अंकित आपका इंट्रोडक्शन के लिए, और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज इस सेशन में, दिल की बात में। ये हमारा 5वां सेशन है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आपके सामने ये वाला सेशन लाते हुए, क्योंकि जैसा कि अंकित जी ने बताया, ये सेशन बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी एक ऐसा सेशन है जिसके बारे में इतनी बात नहीं की जाती है, चर्चा कम होती है इस बारे में। लेकिन आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि फेलियर अगर आता है जीवन में तो हम कैसे कोप करें। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि आप प्लीज अपना एक पेपर पेन कुछ साथ में रखिएगा, क्योंकि इस सेशन में भी हमने कुछ एक्टिविटीज प्लान करी हैं जो हम आपके साथ करेंगे, और पेपर और पेन होगा तो काफी सहायता रहेगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं सेशन के दौरान तो आप वो क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज प्लीज डालिए और कोई ना कोई आपको उत्तर देगा, या फिर लास्ट में मैं आपकी क्वेरीज का आंसर करूंगी। इसके अलावा हमारा एक हेल्पलाइन नंबर भी है जो मैं अंकित जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जाते जाते आपको लास्ट में सेशन के बाद बताएं। यदि आपको लगता है कि आपने जो सेशन में समझा आपको कुछ अब डिटेल में बात करनी है, कोई ऐसी चीज है जो आपकी पर्सनल है, आप और उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो आप हमारे काउंसलर से उस फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी मदद ले सकते हैं।
तो चलिए अब देर नहीं करते, फटाफट हम अपना सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और सेशन आगे करते हैं। चलिए चलिए, तो जैसा कि हम सब जानते हैं, मुझे लगता है कि फेलियर, नाकामयाबी एक ऐसी चीज है जो हम सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी अनुभव जरूर करी है। लेकिन हम कहीं ना कहीं नाकामयाबी के बारे में बात करने से कतराते हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अगर हम नाकामयाबी को ना बात करें तो बेहतर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बात करेंगे तो हमारे जीवन में और ज्यादा आ जाएगी। या कहीं ना कहीं मुझे लगता है समाज में भी इसको एक बहुत अच्छी तरह से नहीं देखा जाता, इसीलिए शायद कम से कम लोग ही आपको नाकामयाबी के बारे में बात करते हुए मिलेंगे। आप सोशल मीडिया देखिए, मूवीज देख लीजिए, ज्यादातर वहां पे कामयाबी के बारे में बात की जाती है। ऐसे लोगों की कहानियां बनती हैं जो कामयाब रहे हैं, चाहे उन्हें शुरुआत में थोड़ी नाकामयाबी मिली हो, लेकिन अल्टीमेटली ये दिखाया जाता है कि हमें कभी ना कभी जीवन में कामयाबी मिलती है, जो कि पूरी तरह से गलत भी नहीं है, सही भी है। लेकिन आज का मुद्दा ये है कि हम जितनी चर्चा सक्सेस की करते हैं उतनी चर्चा फेलियर की नहीं करते। शायद इसीलिए हम नहीं जानते कि यदि अगर हमारी जिंदगी में कभी फेलियर आ जाए, कोई बड़ा रोड ब्लॉक आ जाए, कोई ऐसी चीज आ जाए जहां पे हम नाकामयाब हो जाएं, तो हम उससे डील कैसे करें। हम बहुत ही जल्द अपनी आशा खो बैठते हैं, अपना एक जो हमारा मनोबल होता है वो बहुत ही जल्दी से टूट जाता है यदि हम इस चीज को नहीं समझ पाए कि हमारा फेलियर से एक लड़ने का तरीका क्या रहेगा। तो अगली, हाँ जी, तो ये एक सीन है एक मूवी का, मुझे लगता है आप सभी ने देखा होगा, ये बहुत ही फेमस मूवी है दीवार, अमिताभ बच्चन की और शशि कपूर जी की, जिसमें एक सीन आता है कि अमिताभ बच्चन जी से पूछा जाता है, या ये पूछते हैं शशि कपूर से कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? और वो बड़ा साधारण सा उत्तर देते हुए कहते हैं मेरे पास माँ है। तो इसका मतलब अगर अब हम इस कहानी को लेके चले तो ज्यादा सक्सेसफुल या ज्यादा सफल कौन था, अगर हम ये क्वेश्चन पूछें तो ज्यादा सफल जो थे वो कई लोग बोलेंगे कि अमिताभ बच्चन थे, कई लोग बोलेंगे कि शशि कपूर थे। तो कहीं ना कहीं इस बात में दम है कि जो सक्सेस और फेलियर होता है उसका जो एक इंटरप्रिटेशन है कि मैं सफल हूं या नहीं हूं, आप सफल हैं या नहीं है, या मैं नाकामयाब हूं या आप नाकामयाब हैं, इसका जो इंटरप्रिटेशन रहता है ये बड़ा सब्जेक्टिव होता है, ये बड़ा पर्सनल होता है। मेरे लिए यदि मेरा परिवार बहुत ज्यादा मैटर करता है, मेरे परिवार की खुशियां बहुत मैटर करती हैं, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई बहन ये मैटर करते हैं, तो शायद मैं सक्सेस को उस नजरिए से देखूंगी। और हो सकता है मुझे एक नॉर्मल साधारण जीवन चाहिए जहां पे मैं अपने आप को नाकामयाब मानूं या लोग मुझे समझें कि मैं नाकामयाब हूं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो सक्सेस है या इवन जो फेलियर है उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत ही पर्सनल है। तो फिर आप ये पूछ सकते हैं कि समाज का रोल कहाँ से आता है। तो इसका उत्तर ये हुआ कि जो सक्सेस या फेलियर है वो हम दो तरह से देखते हैं। एक हम देखते हैं पर्सनली कि मेरे लिए मेरे को क्या हासिल करना है, यदि मैंने हासिल कर लिया तो क्या मैं अपने आप को सफल मान रही हूं या नहीं। तो एक हो गया पर्सनल, मेरे लिए सक्सेस क्या है, मेरे लिए विफलता क्या है। दूसरा आता है सामाजिक, हो सकता है मेरे लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ यही हो कि मैं एक अच्छी गृहिणी बनूं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दूसरे इंसान की नजर से सक्सेस का मतलब ये हो कि वो इंसान जिसके पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, बहुत सारे पैसे हैं, अच्छा बैंक बैलेंस है, वो सक्सेसफुल है। तो उसकी नजर से तो मैं असफल हुई लेकिन मैं अपनी नजर में सफल रही, ठीक है। तो यहाँ मतलब ये हुआ कि सामाजिक रूप से भी हम सक्सेस को आंकते हैं, कुछ मापदंड होते हैं समाज के भी जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि ये इंसान सफल रहा या नहीं रहा। हमें उस इंसान के जीवन के बारे में भले ही कुछ ना पता हो लेकिन हम कहीं ना कहीं जो एक सफलता है उसको जब हम एक समझते हैं, एक डेफिनेशन देते हैं, तो हमारा पर्सनल और समाज का दोनों का बीच में आता है। अब इसमें सबसे बेहतरीन मैं ये नहीं बोलूंगी कि समाज का जो सफलता है वो गलत है तरीका आंकने का या जो पर्सनल है वही सही है, नहीं। जो इसका सबसे अच्छी चीज होती है वो ये होती है कि हम बैलेंस बना के चले, हम ये भी देखें कि हम किस चीज को सफलता मान रहे हैं और कहीं ना कहीं
थोड़ा सा बैलेंस सोसाइटी का भी लेके चले, क्योंकि अल्टीमेटली हम रहते सोसाइटी में ही हैं। हम अपने आप को समाज से अलग करके कुछ चीज को नहीं समझ सकते ठीक से या नहीं देख सकते, कि आपको आने वाली आगे स्लाइड्स में भी और अच्छी तरह से समझ आएगा। चलिए, जैसा कि हम बात कर रहे थे अब, कि कौन तय करता है, क्या हम पर्सनली तय कर सकते हैं कि हम सफल हैं या नहीं, या क्या समाज तय करता है? तो लास्ट में जैसा कि मैंने कहा कि ये दोनों का हमें बैलेंस चाहिए, ठीक है, जिससे हम तय कर पाए कि क्या हम वाकई ही सफल हो पा रहे हैं या नहीं। तो उसके ये चार मेजर चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए। पहली चीज तो ये हुई कि हमारे लक्ष्य क्या हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने तीसरे सेशन में जो लक्ष्य के ऊपर सेशन था उसमें बहुत विस्तार से बात की थी कि लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य किस प्रकार का होना चाहिए, हमारे लक्ष्य को हम किस प्रकार हासिल कर सकते हैं, उसे हम किस प्रकार भागों में बांट के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, और काफी सारी लक्ष्य पर बात की थी। तो पहला जो पॉइंट आता है सफलता को लेके, वो आता है हमारा लक्ष्य, यानी कि लक्ष्य वाकई ही काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब हमारा जो लक्ष्य है, जैसा हमने लास्ट टाइम भी बताया था, कि वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो हम अचीव कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कोई ऐसा लक्ष्य बना लिया जो शायद मैं वर्ल्ड की सबसे रिच महिला बनना चाहती हूँ, तो शायद मैं ये अचीव ना कर पाऊं। तो लक्ष्य मैं वो बनाऊं जो मैं अचीव कर पाऊं, जो मेरे लिए हासिल करने योग्य हो, जो मेरे वास्तविक जीवन में हासिल करने योग्य हो, मेरे सपनों का लक्ष्य ना हो, क्योंकि उसके लिए तो हम सपने देखते ही हैं। लक्ष्य वो होता है जो वास्तविक होता है। तो वो दूसरी और बड़ी अहम बात ये होती है कि हमारा जो लक्ष्य है वो होना चाहिए जो हमारे खुद के अंदर से आ रहा है। मेरा पैशन होना चाहिए उस चीज में, तभी वो मेरा लक्ष्य है। यदि मैं, मान लीजिए मेरे को पेंटिंग का इतना शौक नहीं है, लेकिन मैंने अपनी एक सहेली को देखा, वो बहुत अच्छा पेंट कर रही है, वो आजकल हर जगह सोशल मीडिया पे अपना लगाती है पेंटिंग की फोटो, मैंने सोचा मैं भी पेंटर बनूंगी। तो क्या मैं सच में पेंटर बनना चाहती हूँ? शायद नहीं। शायद उसको देख के मेरे मन में आ गया कि मैं पेंटर बनूं। तो लक्ष्य वो होना चाहिए जिसको आप तय करें, ये नहीं कि किसी और के तय किए हुए लक्ष्य को हम अपना लक्ष्य मान के जीवन में आगे बढ़ने लगे। उस लक्ष्य में ये हो सकता है कि मुझे कहीं ना कहीं नाकामयाबी का सामना करना पड़े, क्योंकि अंदर से मेरा जो पैशन है मैं खुद वो शायद नहीं चाहती, दूसरे को देख के कर रही हूँ। तो हो सकता है मेरी जो परसेप्शन है मेरे सक्सेस और फेलियर की, वो यहाँ पे बदलने लग जाएगी। इसीलिए जो लक्ष्य है वो होना चाहिए जो मेरा खुद का है, जो मैं हासिल करना चाहती हूँ, जो वास्तविक है, और जिसको मैं देख सकती हूँ 4 साल बाद 5 साल बाद कि वो मुझे मिला या नहीं मिला। दूसरा और बहुत जरूरी बात वो ये है कि आपका जो लक्ष्य, जो आपकी सफलता और असफलता होती है, वो आपकी आंतरिक भावना से भी कहीं ना कहीं आती है। मैं आपको इसके ऊपर एक कहानी चलिए सुनाती हूँ, छोटी सी, मेरे जीवन की ही एक वाक्य है, आई थिंक उसको शुरू करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं जब मास्टर्स में पढ़ रही थी तो मेरे एक सीनियर प्रोफेसर हुआ करते थे वहाँ पे, प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रा, उनके साथ मैंने काफ़ी रिसर्च में भी काम किया था, और आई थिंक जितना मैंने बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा उनसे सीखने को भी मुझे मिला था, और मैं बहुत भाग्यशाली भी समझती हूँ अपने आप को कि मुझे वो मेरे मेंटर रहे थे मास्टर्स में। एक बार वो इंडियन साइकोलॉजी पे एक क्लास ले रहे थे और उन्होंने पूछा, सब बच्चों से पूछा कि खुशी क्या होती है, हैप्पीनेस क्या है, तो आपको क्या लगता है आप कब अच्छे, मतलब आपको, आप कब जीवन में सैटिस्फाइड महसूस करोगे, हैप्पी महसूस करोगे। तो सब बच्चे धीरे धीरे करके अपने उत्तर बताने लगे, और जब मेरी बारी आई तो मैंने अपना उत्तर ये बताया कि सर जब मैं PhD खत्म कर लूंगी ना, तो मुझे लगता है मैं बहुत खुश होंगी, मैं बहुत सैटिस्फाइड फील करूंगी। सर ने आगे बड़े प्यार से मुझे बोला कि बेटा आकांक्षा, आप एक बात बताओ, आपको ये, आप ये, आपको क्यों लगता है कि PhD कर लोगे तो आप खुश हो जाओगे? तो मैंने कहा सर शायद इसलिए क्योंकि PhD जो होती है वो हाईएस्ट डिग्री होती है अपने फील्ड में, और मैं जिस फील्ड में हूँ मुझे बहुत रुचि है मनोविज्ञान में, और मैं उसमें हाईएस्ट डिग्री हासिल करना चाहती हूँ। तो सर ने मुझे कहा आपको पता है पोस्ट डॉक्टरल भी होता है, PhD के बाद एक और भी डिग्री है, दैट इज द टर्मिनल, जिसको लास्ट डिग्री माना जाता है, वो पोस्ट डॉक्टरल भी होती है, आप जानते हैं? मैंने कहा सर नहीं। तो उन्होंने वहां समझाया मुझे कि आपकी जो खुशी है यदि वो आपकी आने वाली चीजों पे निर्भर करती चली जाएगी, तो आप कभी अपने आप को जीवन में ना तो खुश महसूस कर पाएंगे, ना सक्सेसफुल महसूस कर पाएंगे, और ना ही हैप्पी महसूस कर पाएंगे।
तो वो बात मुझे हमेशा ध्यान रहती है और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि आज इस समय मैं जहां भी हूँ अपने जीवन में, क्या मैं आज खुश हूँ, क्या मैं आज अपने आप को सफल मान रही हूँ या नहीं, ये बहुत जरूरी है। इसी प्रकार मैं आपको वहां से यहाँ ला के जोड़ना चाह रही थी कि जो हमारी आंतरिक भावना होती है वो बहुत मैटर करती है जब हम अपने आप को सक्सेसफुल या फेलियर मानते हैं। क्या आप आज जहाँ हैं, पूछिए अपने आप से, क्या आप अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आज आप यहाँ जहाँ पे हैं वही रहेगा, आगे बहुत लंबी जर्नी है, लेकिन अब इस समय में अगर आप अपने आप को खुश, सक्सेसफुल, सैटिस्फाइड मानते हैं तो आप ज्यादा कुछ, आपका जो जीवन है वो ज्यादा सरल रहता है, आगे बढ़ने की चाह जो है वो और बढ़ती चली जाती है। तो अपनी आंतरिक भावनाओं पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम अपने बारे में, सक्सेस के बारे में क्या समझते हैं, क्या महसूस करते हैं। तीसरा और बहुत जरूरी सब बात, ये मैं आपको आगे भी डिटेल में बताऊंगी, हम सक्सेसफुल हैं या नहीं है ये इस बात पे भी बहुत निर्भर करता है कि हम अपनी तुलना किसके साथ कर रहे हैं। यदि मैं अपनी तुलना एक, मान लीजिए एक कॉलेज के बच्चे के साथ करूं तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगी, भाई वो तो अभी बेचारा बीए पढ़ रहा है, मैं तो पीएचडी कर ली तो मैं तो हूं सक्सेसफुल। अगर मैं अपनी तुलना किसी ऐसे इंसान के साथ करती हूँ जो 50 साल से इस फील्ड में है तो मैं अपने आप को शायद कम सक्सेसफुल मानूंगी। कहने का मतलब ये है कि हमारे से ऊपर और हमारे से नीचे हमेशा ही लोग मौजूद रहते हैं। हमें ये देखना है कि हम जिससे अपनी तुलना कर रहे हैं क्या वो तुलना हमें इंस्पायर कर रही है, क्या वो तुलना हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रही है लाइफ में और अच्छा करने के लिए, या वो तुलना हमें हमारे मन में आशंकाएं पैदा कर रही है, वो तुलना हमें बुरा, अपने बारे में बुरा महसूस करवा रही है कि शायद मैं उतनी अच्छी नहीं हूं, शायद मैं उतनी लायक नहीं हूं। तो जो तुलना है क्या वो सही है या नहीं, ये बहुत बच्चे बहुत बार सवाल पूछते हैं कि मैम हम कंपैरिजन करें या नहीं करें, इज इट गुड टू कंपेयर। तो उसका सरल जवाब सबसे ज्यादा यही होता है कि जब भी आप तुलना कर रहे हैं आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि वो तुलना आपकी लाइफ में पॉजिटिव क्या लेके आ रही है, आपको मोटिवेट कर रही है, आपको इंस्पायर कर रही है, आप आगे बढ़ने की चाह रख रहे हैं। अगर हाँ तो आप वो तुलना करिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यदि वो तुलना करके आप अपने बारे में आप सोच रहे हैं, आप अपने आप को कम महसूस कर रहे हैं, इंफीरियर महसूस कर रहे हैं, तो वो तुलना मत कीजिए। वो तुलना आपको कहीं आगे नहीं लेके जाएगी, सिर्फ आपका जो एक दृष्टिकोण है, आपका जो नजरिया है वो असफलता की ओर लेके जाएगी। आपको बार बार ये महसूस करवाएगी, आपका नजरिया इस प्रकार का हो जाएगा कि आप असफल हैं, तो वो हम नहीं चाहते। अच्छा, अब चौथी चीज ये है कि हम, जैसा कि बात करी कि सामाजिक मापदंडों के अनुसार भी सफलता और असफलता को देखते हैं। आप एक बात बताइए, आपने देखा होगा कभी, मैंने सोशल मीडिया पर ये बहुत देखा है, बड़े सारे ऐसे आर्टिकल्स आते हैं कि 20 थिंग्स टू डू बिफोर यू आर 20, 20 साल के होने से पहले क्या 20 चीजें हैं जो आपको कर लेनी चाहिए। अब भाई ये कौन है जो बोलता है कि कर लेनी चाहिए, ये कौन है जो डिसाइड करता है कि 30 साल से पहले, 20 साल से पहले, 40 साल के पहले हमें ये चीजें अचीव करनी है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में सफलता बहुत देर से देखी है। मैं उस दिन कहीं पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा कि जो बमन ईरानी जी हैं, जो एक्टर हैं बहुत फेमस, उन्होंने 42 साल, 42 ईयर्स की उम्र में पहली बार कैमरा को देखा। उन्होंने कैमरा को पहली बार तब फेस किया व्हेन ही वाज ऑलरेडी 42, राइट। एंड देन दूसरी तरफ ऐसे भी एक्टर्स हैं जो बचपन से एक्टिंग कर रहे हैं, श्रीदेवी जी, हेमा मालिनी जी, लोग बचपन से एक्टिंग कर रहे हैं। तो क्या हम तुलना कर सकते हैं? तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ सामाजिक मापदंड रहते हैं जिनके अनुसार एक ये कहा जाता है कि अच्छा चलिए एक टाइमलाइन है, 22 साल तक हमें जॉब मिल जानी चाहिए, कहीं ना कहीं 25-26 तक हम शादी कर लिए, फिर बच्चे। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है हमारे लिए, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। और क्या मैं वो सामाजिक मापदंड को अपनी सफलता के लिए एक मापदंड मानती हूं या नहीं, ये भी बहुत जरूरी प्रश्न है जिसका उत्तर मैं आपको नहीं दे सकती। आपको खुद अपने आप से पूछना होगा कि क्या आप उन जो एक समाज ने हमारे लिए बॉक्सेस बना रखे हैं, कंपार्टमेंट्स बना रखे हैं, आप अपने आप को उसमें देखते हैं, आप सोचते हैं कि आप उसमें फिट हो सकते हैं, या आप अपने लिए कुछ अलग चीजें निर्धारित करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपने लिए कुछ निर्धारित कर सकती हूँ कि जब मैं 35 वर्ष की होंगी तो मुझे ये चीज अपने जीवन में, जैसे मुझे किताब लिखनी है तो मैंने ये सोचा है कि मैं 35 वर्ष के होने से पहले अपनी एक किताब पब्लिश करना चाहती हूँ।
तो ये मेरा मापदंड है, चाहे किसी ने 25 में की हो या 45 में, फिर उससे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सफलता को नापने के लिए कुछ मेरी पर्सनल चीजें होती हैं जो सब मैं समझती हूँ, और कुछ बातें सामाजिक होती हैं जो सामाजिक तौर पे अवेलेबल हैं। और आप देखेंगे ज्यादातर आपकी उम्र के बच्चों के हिसाब से जो सोशल मीडिया है वहां पे इतना कुछ कंटेंट है, तो थोड़ा सावधानी भी बढ़ती है वहां पे, क्योंकि जो भी चीजें सोशल मीडिया में लिखी हैं या जो लोग अपने बारे में बता रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कुछ ही सच हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे आती है एक कहानी। हम आपको आज दो बच्चों की कहानियां सुनाएंगे, और दोनों बच्चों की कहानियां सुनाने के बाद आपको एक छोटा सा कंपैरिजन करवाएंगे, जहां आपको समझ में आएगा कि जो विफलता है उसको हम सफलता में किस प्रकार, क्या जर्नी में बदल सकते हैं। तो पहली जो कहानी है वो है प्रिया की। प्रिया एक 16 साल की बच्ची है, वो अपने 10th क्लास के बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी। जैसा कि सभी परिवारों में होता है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है माता पिता के बीच में, उसके परिवार में भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं परिवार वालों के बीच में ऊंच नीच हो रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। वो वैसे ही स्ट्रेस में थी, उसको एंग्जाइटी हो रही थी, एक तो पहली बार बेचारी बोर्ड्स दे रही थी, वैसे ही डरी हुई थी, और ऊपर से घर का माहौल भी कुछ खास अच्छा नहीं था, जिसके कारणवश वो बोर्ड्स में अच्छे नंबर नहीं ला पाई। उसका जब रिजल्ट आया तो पता ये चला कि वो दो सब्जेक्ट में फेल हो गई, मैथ्स में भी और इंग्लिश में भी उसके नंबर अच्छे नहीं थे, वो फेल हो चुकी थी। अब पहली बार वो फेल हुई थी, उसके परिवार में आज तक कोई फेल नहीं हुआ था, और जब उसको पता चला इस बारे में, वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई, वो इस चीज को यकीन ही नहीं कर पाई कि वो फेल हो गई है। उसने एग्जाम्स दोबारा दिए रीचेक करने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, रिजल्ट यही था कि वो फेल है। इसके बाद उसने धीरे धीरे अपने आप को कोसना शुरू किया, कभी अपने आप को कोसती, कभी अपने माता पिता को भी कोसती, कभी अपने टीचर्स के बारे में बोलने लग गई कि शायद उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया, कभी पेपर के बारे में बोली कि शायद पेपर बहुत मुश्किल था, शायद सवाल आसान नहीं थे। तो उसने कहीं ना कहीं वो जो एक ब्लेम था वो अपने ऊपर, वो दोष अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर डालना शुरू कर दिया। करते करते इतना ज्यादा बात बढ़ गया कि अब वो एग्जाम देने से ही डरने लगी। उसने दोबारा एग्जाम देने की कोशिश करी, वहां पे वो इंग्लिश में तो पास हो गई लेकिन मैथ में वो वापस फेल हो गई। तो उसने ये निर्णय लिया कि शायद मैं एक असफल व्यक्ति हूं और शायद मैं पढ़ाई ही छोड़ दूं। ये है पहली कहानी। कुछ समय बाद मैं आपको दूसरी कहानी सुनाऊंगी और फिर हम इन दोनों कहानियों के बीच में तुलना करेंगे। चलिए इस कहानी को मैं यही अभी अभी के लिए मैं उसको वहां रोकती हूँ। अब बात ये आती है कि अगर आप असफल हो जाए, यदि ऐसा कुछ हो जाए जीवन में, मान लीजिए, क्योंकि वो सबके जीवन में होता है, आपने बहुत कोशिश करी और फिर भी कहीं ना कहीं आप असफल हो गए, तो आप क्या करें? क्या करने से पहले जरूरी है कि आप ये समझें कि जब हम असफल होते हैं तो हमें इमोशनली किस दौर से गुजरते हैं, क्या एक जर्नी रहती है हमारी। तो पहली चीज जो आती है जब हम असफल होते हैं, तो यूजुअली हमें एक सदमा लगता है, हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हमें लगता है ये कैसे हो गया मेरे साथ, मैंने तो अच्छे से तैयारी की थी। जैसे प्रिया के केस में भी था कि पहले वो एकदम शॉक हो गई, सदमा सा लग गया, उसे आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है, मैं तैयारी तो कर ही रही थी, माना कि घर में थोड़ा बहुत बात चल रहा था लेकिन मैंने तैयारी करी है। दूसरा स्टेप क्या होता है, हम यूजुअली उस चीज को इनकार करते हैं, हम मानने से मना कर देते हैं कि ऐसी बात हुई है। तो जो सच है हम उसको स्वीकार नहीं करते, हम कॉन्स्टेंटली एक डिनाइल मोड, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं डिनाइल में रहते हैं, इनकार के मोड में रहते हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, अरे मैंने इतनी तैयारी की है, मैं ही क्यों, मेरे साथ नहीं हो सकता। अब जो तीसरा एक हमारा अनुभव होता है इसके बाद, धीरे धीरे हम शायद उस चीज को एक्सेप्ट करने लगते हैं, या सॉरी तीसरा जो अनुभव होता है उसमें ये होता है कि हम कहीं ना कहीं क्रोध में आते हैं और दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं। वो क्रोध और वो दोष आपके अपनी तरफ भी हो सकता है, आपके किसी दूसरे की तरफ हो सकता है, जैसे कि आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके टीचर्स, आप किसी के ऊपर भी दोष डालते हो अपनी असफलता का, या फिर आप वो दोष और वो क्रोध परिस्थितियों के ऊपर भी डाल देते हो कि मेरी तो परिस्थितियां ही खराब हैं, मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे इसलिए मैं फेल हो गया। तो जो क्रोध और दोष है वो अपने ऊपर, दूसरे के ऊपर या परिस्थितियों पे जनरली हम देखते हैं कि डाला जाता है।
ये सब करने के बाद अब जो चौथी स्टेज आती है वहां पे हम कहीं ना कहीं जो वास्तविकता है उसको स्वीकारना शुरू करते हैं, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। हमें अल्टीमेटली जो हो चुका है, जो पास्ट है, उसको कहीं ना कहीं जाके एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर आप ये देखिए कि एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है एंड दैट इज ओके। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो शायद आप जानेंगे कि असफलता को स्वीकारने में भी कुछ समय लगता है। ये स्टेजेस होती हैं जो हमने देखी, वो स्टेज में अगर आप वहां चौथे स्टेज पे पहुंचते हुए समय लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम समय दे सकते हैं अपने आप को। जब हम कहीं ना कहीं वास्तविकता को स्वीकार लेते हैं, हम समझ जाते हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ है, इस पर्टिकुलर चीज में हम नाकामयाब रहे हैं, तब जाके पांचवी स्टेज आती है जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होती है, जो होती है अंतर्दृष्टि और परिवर्तन की। यानी कि हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, हम ये देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या चीजें थी जिनकी वजह से मैं नाकामयाब रही, ऐसे क्या पॉइंट्स हैं, ऐसी क्या लर्निंग्स हैं जो मैं सीख सकती हूँ, जो आगे मुझे एक परिवर्तन लाने में मदद करेगी। और परिवर्तन होता कहाँ पे है? दो जगहों पे होता है। परिवर्तन होता है हमारे दिमाग में, यानी कि हमारे माइंड में, हमारे थॉट्स में, ठीक है। और दूसरा परिवर्तन आता है आपके बिहेवियर में, यानी कि आपके एक्शंस में। तो पहले परिवर्तन से, जहां पे आप बार बार अपने आप को कोस के ये बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं फेल ही होऊंगी, वहां पे आपका जो थॉट चेंज होता है वो ये होता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अगर मेहनत करूंगी तो इस बार मैं जरूर सफलता प्राप्त करूंगी। आपका आप देखिए थॉट बदल गया। जहां पे आप बोल रहे थे मैं किसी काम की नहीं हूं, मैं किसी लायक नहीं हूं, वहां पे अब आप ये बोलने लग गए कि ऐसा नहीं है, मैं मेहनत करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकती हूँ, मैं मेहनत कर सफल हो सकती हूँ। और जो अब आपने जब ये सोच लिया कि मैं मेहनत करके सफलता प्राप्त कर सकती हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपके जो एक्शंस हैं, आपका जो बिहेवियर है, वहां भी चेंज आएगा। आप वहां पे भी ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा समय निकालेंगे पढ़ाई के लिए। और यदि आपको लगता है कि आप उनमें से एक हैं जिसको इस वक्त परिवर्तन की जरूरत है, तो आप हमारा जो तीसरा वाला सेशन था, जो हमारा लक्ष्य पे था, वो जरूर देखिएगा। उसमें हमने बहुत सी बातें की हैं इस बारे में, किस प्रकार आप पढ़ाई कर सकते हैं अच्छी तरीके से, टाइम का सदुपयोग कर सकते हैं, उस बारे में भी बात की है, टाइम मैनेजमेंट की भी बात है। तो आप वो जरूर देखिएगा, आपको शायद और मदद मिलेगी और हेल्प मिलेगी। तो ये हमारी एक जर्नी रहती है। जब हम असफल होते हैं, आप देखेंगे कि जर्नी ऊपर को जा रही है, यानी कि असफलता से आखिर में पहुंचते पहुंचते हम कहीं ना कहीं सफलता की ओर अपने कदम बढ़ा रहे होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए फेलियर हुआ है, तो हमारी जो कोपिंग मैकेनिज्म है, कोपिंग मैकेनिज्म का मतलब हुआ कि हम किस प्रकार से वो फेलियर से डील करें, ठीक है, हम कोप कैसे कर सकते हैं, हम वापस कैसे खड़े हो सकते हैं, वो क्या होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है प्रोएक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म्स। हम दो तरह के कोपिंग मैकेनिज्म्स और भी देखे जाते हैं, एक होता है रिएक्टिव और एक होता है सप्रेसिव। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया क्योंकि इतना अभी मैंने सोचा मैं आपको बस ऐसे बता देती हूँ, मैं ज्यादा लंबा जिक्र नहीं करना चाह रही थी उसके बारे में, पर जस्ट बताने के लिए बताती हूँ। जो प्रोएक्टिव होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं, वो सबसे ज्यादा हमें मदद करते हैं फेलियर से बाहर आने में। जो रिएक्टिव होते हैं वो, उसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैं फेल हो गई, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने कुछ सामान गुस्से में पटक दिया। आपने देखा होगा बहुत बार गुस्से में हम जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आसपास, जो चीजें होती हैं, उन पे गुस्सा निकालते हैं। कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति पे गुस्सा निकालते हैं अपने परिवार के, जिसका कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। कभी कभी हम अपने ऊपर गुस्सा निकालते हैं, चिल्लाते हैं जोर से, या तकिए पे हाथ मारते हैं, कुछ इस प्रकार की हम चीजें कभी कभी करते हैं। वो रिएक्टिव होता है, जहां पे आप एक्ट कर रहे हो सिचुएशन के प्रति, वो आपको हो सकता है कुछ समय के लिए सैटिस्फैक्शन दे, पर वो भी एक अच्छा तरीका नहीं होता फेलियर से निपटने का, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में मदद नहीं करता। और जो मैंने तीसरा बताया था सप्रेसिव, जो मैंने कहा यहां नहीं लिखा हमने, उसका मतलब ये होता है कि आप यदि फेल हुए हैं तो आप उस फीलिंग को, जो आपको नेगेटिव फीलिंग आ रही है, आप उसको पूरी तरह सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। और वो तो हम सभी जानते हैं कि अपनी भावनाओं को दबाना कितना खराब होता है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और इसीलिए वो एक बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है। तो अच्छे तरीके क्या हैं, उनकी बात हम अब करने वाले हैं। वो है प्रोएक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म्स, यानी कि वो तरीके जो हमें मदद कर सकते हैं फेलियर से डील करने में और सक्सेस की ओर अपने कदम बढ़ाने में।
तो जो सबसे पहला तरीका है, जो सबसे पहली चीज है जो हमें करनी है अगर हम फेल होते हैं, तो वो ये है कि जो आपको भावनाएं आ रही हैं उनको एक बार को सबसे पहले फर्स्ट स्टेप स्वीकार कीजिए। आपको बुरी भावनाएं आ सकती हैं, वो भावनाएं आपके अपने लिए बुरी हो सकती हैं, किसी परिवार वाले के लिए, आपके अध्यापकों के लिए आप सोच सकते हैं, आप पेपर के प्रति सोच सकते हैं कि पेपर अच्छा नहीं सेट हुआ, कुछ भी जो भी आ रहा है उसको एक बार को आप स्वीकारें और सोचें कि जी जो भी भावना है ये मेरी अपनी है। दूसरा कदम, यहाँ दूसरी चीज जो आपको करनी है और आप कर सकते हैं वो ये है कि आप खुद से फिर सवाल पूछें कि जो मैं सोच रही हूँ क्या वो सच है, क्या वाकई ही पेपर इतना मुश्किल था, क्या वाकई ही अध्यापिकाओं ने नहीं पढ़ाया, क्या वाकई ही माँ बाप ने सपोर्ट नहीं किया, या शायद मेरी खुद की ही तैयारी में कमी रह गई। और आप देखेंगे आपको उत्तर जनरली यही मिलता है कि कहीं ना कहीं तैयारी हमारी खुद की कमी में थी। तो उस चीज को आप ध्यान से अपनी अपने अपनी भावनाओं को स्वीकारा, अब उस भावनाओं को आंकिए कि वो भावना किस हद तक सही है। यदि वो भावना सही नहीं है तो उसको आप एक अच्छी भावना से, जैसा हम आपको पहले भी बता चुके हैं, उसे रिप्लेस कीजिए। आप ये बोलिए ठीक है, मैं इस बार फेल हुई हूं, मैं मानती हूं मैंने कहीं ना कहीं नाकामयाबी देखी है, नाकामयाबी देखनी बहुत जरूरी होती है तभी हमें कामयाबी की असली वैल्यू पता चलती है, और हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी नाकामयाबी जरूर देखते हैं। और मैं ये भी आपको बताऊं कि ऐसा नहीं कि एक ही बार बहुत चीजों में हमें नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है। तो आप अपने आप को यही समझाएंगे कि कोई बात नहीं, अब मैं फेलियर को हैंडल कर सकती हूँ। तो आप अपने आप को बोलिए आई कैन हैंडल फेलियर, मैं फेलियर को संभाल सकती हूँ, नाकामयाबी से लड़ सकती हूँ और कामयाबी की तरफ अपने कदम बढ़ा सकती हूँ। ये पूरा एक सर्कल जो आप अपनी भावनाओं के साथ करते हैं वो बहुत जरूरी होता है आपको फेलियर से डील करने में और आपको एक आंतरिक शक्ति देने में, ताकि आप आगे जाके सफलता की ओर अपने कदम बढ़ा सके। एक और चीज देखी गई है, कई बच्चों के साथ ये होता है, मान लीजिए वो क्लास में अव्वल आना चाहते थे, ठीक है, उनके अंदर पूरी भावना थी कि हम अव्वल आना चाहते हैं और हो सकता है किसी कारणवश वो अव्वल नहीं आ पाए। तो कई बार ये होता है कि हम ऐसे बोलने लग जाते हैं कि अरे हमें तो अव्वल आना ही नहीं था, हम तो अच्छी पढ़ाई करना ही नहीं चाहते, हम तो ऐसे ही खुश है। वो क्या करते हैं, वो अपनी जो सच्ची भावना है उसको कहीं डीप डाउन दबा देते हैं और ऊपर से कोई ऐसी बात बोलते हैं जो उसके ऑपोजिट है कि मैं तो फर्स्ट आना ही नहीं चाहती थी, जबकि वो एक्चुअल में फर्स्ट आना चाहते थे। आपने वो कहानी सुनी होगी लोमड़ी की, जो अंगूर तोड़ना चाहती थी पेड़ से, पर वो पेड़ पे बहुत दूर अंगूर लगे थे, तो वो हर बार बोलती थी अरे अंगूर, जब उसके हाथ नहीं आता था तो अंगूर खट्टे हैं। वो चीज सही नहीं होती है, क्योंकि यदि आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को नहीं पहचानेंगे, अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपको कभी भी मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा एक्चुअली में उस एम को पाने का। अगर आपका एम फर्स्ट आना है, आप नहीं आ पाए, तो इस चीज को स्वीकार कीजिए कि मैं फर्स्ट आना चाहती थी, इस बार नहीं आ पाई, अगली बार और मेहनत करूंगी, अगली बार तैयारी करूंगी कि मैं वो अपना जो भी लक्ष्य है, चाहे फर्स्ट आना हो, चाहे कोई सब्जेक्ट में अच्छा करना हो, जो भी आपका लक्ष्य है वो मैं हासिल करूंगी। यदि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसको ऐसे साइड पे रख देंगे कि ये तो मैं चाहती ही नहीं थी, तो क्या होगा, आप एक्चुअल में भी वो चीज को हासिल करने में उतने मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। इसलिए अपनी भावनाओं को स्वीकारें, अपनी भावनाओं का सही से विश्लेषण करें, ठीक है, ये पहला। दूसरा और सबसे जरूरी है विश्वसनीय सहयोग। अब आप ये सोचिए कि आपके जीवन में वो कौन व्यक्ति है जिसपे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। वो व्यक्ति, कोशिश हम ये करेंगे कि वो व्यक्ति थोड़ा सा हमसे उम्र में बड़ा हो, थोड़ा ज्यादा तजुर्बेदार हो, ताकि वो हमें हमारे परेशानी वाले समय में स्थिति से निकाल पाए। तो किसी के लिए वो उनकी माता पिता, उनके टीचर्स, कोई भी हो सकते हैं, बड़े भैया बड़ी बहना, कोई भी हो सकता है आपके लिए। आपका जो भी वो विश्वसनीय सहयोग है, आपका जो भी ट्रस्टेड एडल्ट है, उनकी मदद लें, उनसे पूछें कि उनको अपनी कहानी बताएं, उनसे पूछें कि मैं फेल क्यों हुआ, आपको क्या लगता है कहाँ पे कमी थी, मैंने तैयारी करी है, मैंने ऐसे इस प्रकार तैयारी करी है, कहाँ कहाँ मैं और अच्छा कर सकती थी जो मुझे मदद करती अच्छे अंक लाने में। तो वहां आपको जब एक थर्ड पर्सन से सपोर्ट मिलता है, एक थर्ड पर्सन से एक नजरिया मिलता है, तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं। देखिए आप उस सिचुएशन में हैं, आप वो सिचुएशन को लिमिटेड नजरिए से देखते हैं, लेकिन यदि कोई तीसरा व्यक्ति आपको आपकी सिचुएशन के बारे में बताता है, तो वो एक बाहर के नजरिए से देख रहा है, वो एक अलग नजरिया लेके आ सकता है
और आपके लिए कुछ इंसाइट्स हो सकती हैं कि अच्छा मुझे ये करना चाहिए, शायद ये करने से मुझे और बेहतर तरीके से चीजें समझ आती, मैं और अच्छे से पढ़ पाती। तो विश्वसनीय सहयोग बहुत जरूरी होता है हमारे जीवन में, जहां पे हम एक फीडबैक ले सकते हैं और उनसे फीडबैक लेने के बाद अपने फ्यूचर में हमें किस प्रकार अब और प्लान बनाना है, किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए भी हम उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये बहुत एक जरूरी महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है। अब तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि मान लीजिए इस बार आपको असफलता का सामना करना पड़ा है, आप ये बात का ध्यान रखिए कि जो पास्ट है वो कोई भी नहीं बदल सकता। ये सब कहते हैं, मैं भी कह रही हूं कि जो पास्ट होता है वो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन जो प्रेजेंट है उस पर हमारी पकड़ है, और जो फ्यूचर है वो हम बनाना चाहते हैं। हमें पता नहीं है कैसा होगा, पर हम कोशिश कर सकते हैं उस फ्यूचर को अच्छा बनाने की। इसलिए ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, और ये सारी स्ट्रैटेजीज हमने आपको तीसरे सेशन में बताई हुई है कि आप किस तरह से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, अब आगे क्या करना है, क्या चीजों में कमी थी, मेरे गैप्स कहाँ कहाँ थे, कहाँ कहाँ मुझसे गलती हुई, क्या चीजें मैं नहीं पढ़ पाई ठीक से, किन टॉपिक्स को मैंने समय नहीं दिया। ये सारे सवाल आपके मन में उठने चाहिए और इन सभी का आपको उत्तर ढूंढना है, और उस प्रकार से आप एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बना के आगे क्या करना है, आगे किस प्रकार बढ़ना है, उसकी तैयारी कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात और आती है कि आपको अगर यदि असफलता का सामना करना पड़ा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लीजिए। ये नहीं कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली, हो सकता है कुछ बाहरी कारण भी रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि जब हम असफल होते हैं तो सिर्फ हम ही ऐसा हमारी वजह से ही होते हैं, कई बार बाहरी कारण भी रहते हैं। पर जितना मान लीजिए 50% आप जिम्मेदार हैं, तो वो 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, क्योंकि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको आगे बढ़ने में, आगे का रास्ता अच्छा करने में मदद करती है। चलिए अगला जो है पॉइंट वो ये है कि आप जिसमें अच्छे हैं उस पर भी ध्यान दें। अक्सर ये देखा जाता है कि जब हम फेल हो जाते हैं किसी सब्जेक्ट में तो हम अपना सारा समय या सब चीजें उसी एक चीज पे जिसमें हम नाकामयाब रहे हैं उस पे केंद्रित कर देते हैं, और बाकी जो चीजें हैं, मैं सब्जेक्ट का एग्जांपल ले रही हूँ ये मानते हुए कि शायद हम ज्यादातर पढ़ाई रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हम बाकी जो हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो सब चीज पे होना चाहिए। ये नहीं कि यदि आप मान लीजिए गणित में फेल हुए हैं या साइंस में फेल हो गए हैं तो आपका सारा ध्यान वहां चला गया, बाकी सब्जेक्ट भी अब इग्नोर करने लगे। वैसा करेंगे तो बाकी सब्जेक्ट में भी नंबर कम आएंगे। तो इसीलिए जो तीसरा पॉइंट था जहां मैं बोल रही थी कि स्ट्रैटेजी बनानी बहुत जरूरी है, प्लानिंग करनी एक आगे की, फ्यूचर क्या, किस प्रकार अब हम पढ़ाई करेंगे, टाइम टेबल क्या होगा, टाइम को मैनेज किस प्रकार करेंगे, वो चीज यहाँ पे आती है कि आपको ये सोचना होगा कि जहां पे जिस क्षेत्र में नाकामयाबी का सामना करना पड़ा है उस क्षेत्र को मैं इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ, लेकिन बाकी क्षेत्रों पे भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये बातों का ध्यान रखना होगा। और आखिरी जो है वो है व्यायाम और विश्राम। तो व्यायाम तो हम सभी जानते हैं बहुत जरूरी रहता है, हमेशा भी हम बात भी करते हैं कि अच्छा खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, उससे आपका दिमाग खुलता है, आप फ्रेश होते हैं, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपको सिखाई गई हैं प्रीवियस सेशंस में, आप वो कर सकते हैं। और विश्राम, पॉज लेना, रेस्ट करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी हम इतनी ज्यादा भाग दौड़ करते चले जाते हैं कि हम दो पल ठहर के सोचते ही नहीं है, पीछे मुड़के देखते ही नहीं है कि हमारी जर्नी कैसी रही है। तो बीच में ब्रेक लेना, पॉज लेना, रेस्ट करना, रेस्ट का मतलब बिल्कुल ये नहीं हुआ कि हम लेटे रहे, रेस्ट मतलब मेंटली, ठीक है, इमोशनली कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा समय लेना, ब्रेक लेना, और अपनी जर्नी पे रिफ्लेक्ट करना और देखना कि कहाँ कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोपिंग मैकेनिज्म होता है जो हमें आगे जाके सक्सेसफुल होने में बहुत मदद करता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सक्सेस की ओर। तो ये आप देखिए, ये हम सब अब जा रहे हैं, अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं सक्सेस की ओर। चलिए, तो समझना बहुत जरूरी है कि सफलता क्या होती है। अब जैसा कि हमने कहा, जो सफलता है वो हर किसी के जीवन का लक्ष्य है, हर कोई चाहता है मैं सफल हो जाऊं, हर किसी ने अपने हिसाब से अपनी सफलता को सोचा है, पर ये समझते हैं चलिए कि सफलता क्या है। तो पहला जो आता है महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट
आता है वो ये आता है कि सफलता जो होती है उसके अलग अलग मायने होते हैं, अलग हो सकती है। मेरे लिए सफलता ये हो सकती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचूं और उन तक अपनी बात पहुंचाऊं, उन तक मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है उसमें इतनी सारी खूबियां, इतनी सारी बातें, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो सब मैं आप तक लेके आऊं। मेरे लिए ये मेरी सफलता हो सकती है। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए शायद सफलता ये हो सकती है कि मैं एक बहुत अच्छा सा घर बना लूं। किसी तीसरे व्यक्ति के लिए एक अच्छी घड़ी खरीदना सफलता हो सकती है। तो जो चौथे के लिए ये भी हो सकती है कि मैं पूरा विश्व घूमना चाहता हूँ। तो जो सफलता है उसके जो मायने होते हैं वो सबके लिए अलग अलग होते हैं, और कहीं ना कहीं सोसाइटी भी उसको एक डेफिनेशन देती है। तो हमें उसका बैलेंस बना के ये देख के कि मेरे लिए सफलता क्या है और मेरे समाज में सफलता के क्या मापदंड है, कहीं ना कहीं उसका एक खूबसूरत बैलेंस बना के चलना होता है। दूसरा, सफलता को मापना कठिन है। अब कठिन तो होगा ही, जब हम सबके लिए सफलता अलग अलग मायने हैं, उस सबकी सफलता अलग है, तो हम एक तराजू पे उस ऐसी चीज को जो सबके लिए अलग है कैसे तुल सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसी सफलताएं होती हैं जो मेजरेबल होती हैं, जिनको हम माप सकते हैं, जैसे कि क्लास में अच्छे नंबर लेके आना, परसेंटेज लाना। तो हमें भाई पता है कि अगर आपके 75 से ऊपर आ गए तो आपकी डिस्टिंक्शन आ गई है, या 60 से ऊपर आ गए तो आपका फर्स्ट डिविजन आ गया है। तो ये तो एक सफलता हम माप सकते हैं। लेकिन जो सफलता हमारी ऐसी होती है, जैसे मैं पूरा विश्व घूमना चाह रहा हूँ, या मेरी जो अंदरूनी चीजें जिनको मैं समझ रही हूँ कि सफलता मेरे लिए जो चीज सफलता है, कि मैं, अब मैंने बोला मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचना चाहती हूँ, तो किसी के लिए 100 बच्चे हो सकते हैं, किसी के लिए 1 लाख हो सकते हैं, किसी के लिए 1 करोड़ हो सकते हैं। तो जो सफलता है इसका जो क्राइटेरिया है उसको नापना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये इतना ज्यादा पर्सनल है और इतना ज्यादा सब्जेक्टिव है। सबसे महत्वपूर्ण, सफलता एक मंजिल नहीं होती है बल्कि एक सफर होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, जो मैंने आपको अपनी कहानी बताई थी, कि मैंने जब मिश्रा जी सर को बोला कि सर मैं PhD कर लूंगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, तो क्या आज करने के बाद मैं उतनी खुश हूं जितनी मैं पहले थी? कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगता मुझे। क्यों? मैंने तब ये बात बहुत कहीं ना कहीं, मुझे लगता है मैंने अब जाके ये बात को सही मायनों में समझा है कि ये जो चीजें होती है लाइफ की खुशियां, लाइफ में ये समझना कि आप सफल हो, ये एक जर्नी है, ये चलती चली जाएगी, ये हमारे अंत तक चलेगी हमारे साथ। इसीलिए ये एक सफर है, ये एक मंजिल नहीं है। यदि आज आपको लगता है कि आप एक घर बना लेंगे तो आप सफल हैं, तो उसके बाद आपकी एक नई इच्छा आ जाएगी, शायद आपको एक गाड़ी लेनी हो, उसके बाद शायद आपको कुछ रुपए और कमाने हो, आपको अपनी जॉब बदलनी हो, ये इसका कोई एंड नहीं है, ये चलता चला जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम आज जिस मुकाम पे हैं वहां पे भी अपने आप को सफल माने, और ये ना सोचें कि सफलता एक ऐसी चीज है जो हमारे सिर्फ भविष्य में ही खड़ी है, क्योंकि जिस दिन आप वो भविष्य पे पहुंच जाएंगे, आप वहां पे भी अपने आप को शायद सफल ना मान पाए, आपको वो और आगे दिखने लगेगा। तो उसको आगे आगे ना करते हुए हम ये सोचें कि सफलता आज भी हमारे साथ है, हम आज जहां भी हैं, जिस भी मुकाम पे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, और वो मेहनत जो हम कर रहे हैं वही सफलता है, वो एग्जैक्टली वही सक्सेस है आपके लिए, क्योंकि आप उस चीज में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और वो भी कुछ कम नहीं होता। और लास्ट चीज जो हमने पहले भी आपको थोड़ी शायद मैंने बता भी दी थी कि सफलता जो है वो एक आंतरिक भावना होती है, वो हमारे अंदर से आती है। मेरे लिए मेरी जो सफलता है, मैं सच में सफल हूं या नहीं, वो अंदर से आएगा। ऐसी बहुत से हमने एग्जांपल्स देखे हैं जिंदगी में, जीवन में, कि बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत मुकाम पे हैं, बहुत ऊंचाइयों पे हैं, लेकिन वो फिर भी अपने आप को सफल नहीं मानते। क्यों? क्योंकि सफलता अंदरूनी होती है, वो हमें खुद अंदर से महसूस होनी चाहिए कि मैं सफल हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो एक साधारण जीवन व्यतीत कर रहा है, एक साधारण इनकम कमा रहा है, वो अपने आप को सफल मान सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी सफलता उसके अंदर से आ रही है, वो देखता है उसका परिवार खुश है, वो अच्छी जॉब कर रहा है, वो उसमें खुश है, उसको थोड़े पैसे शायद कम मिले लेकिन वो खुश है, वो सैटिस्फाइड है, उसके लिए वही सफलता है, और वो सफलता उसको अंदरूनी है, वो अंदर से आ रही है। इसलिए ये समझिए कि जो सफलता होगी वो आपके अंदर से आएगी, जो फीलिंग है सक्सेस की वो बाहर से नहीं आती, वो हमारे अंदर से ही आती है। और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो एक बाहर की दुनिया ने हमारे लिए सफलता की डेफिनेशन बना रखी है उसको हम सोच समझ के ही अपनाएं। ऐसा नहीं कि जो भी बाहर परोसा जा रहा है हमारी थाली में सफलता के नाम पे, हम उसको अपना लें, ऐसा नहीं करना। चलिए इसी
अब जैसा मैंने कहा कि वैसा नहीं करना, और मैंने ये भी कहा था कि हम तुलना क्यों करते हैं या तुलना के बारे में हम और बात करेंगे, तो मैंने सोचा इसके बारे में आज आपसे बात की जाए। बड़ा एक अहम सवाल लगता है मुझे ये कि हम अपनी तुलना क्यों करते हैं दूसरों से। ऐसा क्या है दूसरों में जो हमें लगता है कि हम में नहीं है? और आपने देखा होगा आज के जमाने में जब सोशल मीडिया बिल्कुल हमारे एक हाथ में, हमारे फोन के एक बटन पे हमें मिल जाता है, हम दूसरों का देखते हैं, अपने दोस्तों की प्रोफाइल्स देखते हैं, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कहीं पे भी हम उनको देखते हैं, व्हाट्सएप हो, और आप देखिए लोग अपनी बड़ी अच्छी अच्छी बेस्ट पिक्चर्स लगाते हैं और हमें लगने लगता है अरे इनका जीवन तो कितना अच्छा है हमसे, है कि नहीं? आप सपने कभी ना कभी ये चीज अनुभव करी होगी, या आप देखेंगे फिल्मी सितारे या और कोई सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स के लोग, वो अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगाते हैं और हमें कहीं ना कहीं एक अंदर कमी आने लग जाती है, लगने लगता है अरे हम शायद उतने सफल नहीं हैं। तो हम क्यों तुलना करते हैं? उनके दो कारण हैं, सॉरी, पहला कारण होता है कि हमें प्रेरणा की जरूरत होती है। हम ढूंढते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो हमें प्रेरणा दे सकते हैं, या ऐसी क्या चीजें हैं जहां से हमें प्रेरणा मिल सकती है। उसकी कहीं ना कहीं वो एक प्रेरणा की जो खोज है, शायद वो खोज हमारी जहां है वो डेस्टिनेशन सही नहीं है, हम गलत जगह खोज रहे हैं, लेकिन एक हमारे मन में ये रहता है कि हमें पता चले दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, हम भी वैसा करना चाहते हैं, तो वो एक हमारा रहता है जिसकी वजह से हम तुलना करते हैं। और दूसरा जो हम एक नेगेटिव वे में तुलना करते हैं वो तब होता है जब हमारा अपने ऊपर आत्मविश्वास कम होता है, जब हमारे पास जो कुछ है वो हम कहीं ना कहीं वो चीज हमें संतुष्टि नहीं दे रही होती, तब हम बाहर निकलते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं और देखने लग जाते हैं अरे उसकी जिंदगी में तो ये है, मेरी में तो ये नहीं है। अब आपको मैं एक बड़ी मजेदार बात बताती हूँ, ये देखिए, ये एक कहानी की तरह आप समझ लीजिए, ये दो आप देख रहे हैं दो खूबसूरत से गले के हार हैं, नेकलेसेस हैं, ठीक है? अब ये दोनों नेकलेस थे, ये अपने आप में दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं, वो अपने आप में लेफ्ट वाला भी खूबसूरत है और राइट वाला भी खूबसूरत है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे समय के साथ कुछ कमियां खामियां इन सब में आने लग गई, लेकिन आप ये देखिए कि अब हुआ क्या कि जो ये वाला नेकलेस था इसमें सिर्फ थोड़ी सी यहाँ पे कमी थी और ये पूरा यहाँ वाली जगह से सुंदर दिख रहा था। अगर आप एरो देख सकते हैं, मैं एरो मूव कर रही थी समझाने के लिए, और ये जो नेकलेस था इसमें यहाँ पे दो आप देख सकते हैं ये कमियां हैं जो ग्रेड करी हैं हमने। यहां से इस नेकलेस ने जब दूसरे नेकलेस की ओर देखा, यानी कि इस प्रकार को अपने दाईं ओर देखा, तो उसे लगा कि अरे ये तो पूरा चमक रहा है, छोटी सी ही कमी है। क्यों? क्योंकि वो पीछे की जो साइड है वो देख ही नहीं पाया, वो ये देख ही नहीं पाया कि उसमें और भी बहुत कमियां थी, लेकिन क्योंकि जो आगे दर्शाई जा रही थी वो अच्छी चीज थी, वो चमक थी, कमियां जो थी वो उस तरफ थी, तो इसको अपने अंदर कहीं ना कहीं मन में एक इन्फीरियोरिटी आने लग गई, एक कम महसूस करने लग गया कि शायद इसमें तो देखो ये कितना सुंदर है, कमी कहाँ है, कमी तो शायद मुझ में ही है। तो ये हम सबके साथ होता है, हम सब ये हार की तरह बिहेव करते हैं। दूसरा इंसान जिसमें भी कमियां हैं, हम अपनी जो एक औसत उपलब्धियां होती हैं वो दूसरों की सर्वोत्तम उपलब्धियों के साथ तुलना करते हैं, यानी कि हमारी जो एक रेगुलर लाइफ होती है उसको हम दूसरे की बेस्ट लाइफ के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। और आप ये सब समझिए इस बात को कि जो भी आप देखिए, जो भी सोशल मीडिया पे आता है, जो भी पिक्चर आती है या जो भी आता है, हम सब अपने आप को बेस्ट दर्शाने की कोशिश करते हैं। कोई अपने घर में क्या हो रहा है नहीं बताता, किसी को किस बात का दुख है वो सामने शायद नहीं जाहिर करता। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी एक लाइफ होती है, रोजमर्रा की जिंदगी होती है, उसको हम दूसरे इंसान की बेस्ट जिंदगी के साथ कंपेयर करते हैं और सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि वहीं से हम अपने आप को असफल मानने लग जाते हैं और दूसरे इंसान को अपने से ज्यादा सफल मानने लगते हैं। इस बात को यदि आप समझ लेंगे, यदि आप ये समझ लेंगे कि आप जो तुलना कर रहे हैं वो तुलना ही गलत हो रही है, कहीं ना कहीं वो तुलना का बैलेंस खराब है, जब आप ये समझने लगते हैं तो आप ये भी समझने लगते हैं कि आप भी उतने ही सफल हैं जितना कि वो दूसरा व्यक्ति सफल है, या आप उतने ही असफल हैं जितना वो भी असफल है। ये बात को सुनना और समझना
बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगली बार अब आप जब सोशल मीडिया पे या और कहीं भी जाके तुलना करें अपनी किसी और के साथ और अपने आप को कम आंके, तो ये वाले हार को ध्यान रखना और ये ध्यान रखना कि आपको आप इसी की तरह कहीं ना कहीं शायद ज्यादा चमक वाली चीज देख रहे हैं और जो खामियां हैं उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये एक जरूरी बात थी जो आना चाहती है, मैं बताना चाहती थी आपको। आप कुछ भी हो सकते हैं लेकिन आप शायद सब कुछ नहीं हो सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक ऐसी बहुत बार होता है कि हम चाहते हैं कि हम इतने सक्सेसफुल बने, इतनी सफलता को प्राप्त करें कि हम हर चीज में अपना ट्राई करने लग जाते हैं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। तो आपने अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सारा काम थोड़ा थोड़ा कर सकता है लेकिन किसी भी काम को बहुत अच्छे से नहीं कर सकता। तो इस बात का ध्यान रखिए कि हमें चाहे हम दो या तीन चीजों के ही मास्टर बने लेकिन हमें मास्टर ऑफ फ्यू बनना है, जैक ऑफ ऑल नहीं बनना। ठीक है, तो आप बनने को कुछ भी हो सकते हैं लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप सब कुछ नहीं हो सकते हैं। तो यदि आप अपने आप को इस तरह से आंके कि मुझे सब कुछ हासिल करना है, मुझे इस सब्जेक्ट में भी अच्छा होना है, उसमें भी होना है, मुझे खेल कूद में भी अच्छा होना है, मुझे डिबेट में अच्छा होना है, मुझे नाटक में अच्छा होना है, तो शायद हम नहीं हो सकते हैं। और अपने आप पे इतना जो हम कभी कभी प्रेशर बना लेते हैं वो हमें नहीं बनाना चाहिए, हम अपने आप के साथ अनफेयर होते हैं। तो आपको ये देखना जरूरी है कि ऐसी क्या चीजें हैं जिसमें आप अच्छे हो और कोशिश आप यही करो कि आप उन्हीं चीजों में बेहतर से बेहतरीन हो पाओ। और दूसरी बहुत जरूरी बात कि जो हमने तुलना की बात की थी कि हम दूसरे से अपनी तुलना कर रहे हैं, सबसे अच्छी तुलना जो अगर आपको कभी करनी हो तो आप अपने खुद के साथ करें। आप अपने पास्ट में जैसे आप थे एक साल पहले, दो साल पहले, उससे आप आज तुलना करके देखें और कोशिश करें कि आप उससे बेहतर हो सकें। वो ही तुलना सबसे अच्छी तुलना होती है। और चलिए मैं आपको कुछ रास्ते भी बताती हूँ कि हम अपने आप से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा यानी कि हेल्दी कंपटीशन कैसे कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज है, जैसा मैंने कहा कि जो तुलना होनी चाहिए, जो हमारा कंपटीशन होना चाहिए, अगर आप वाकई ही सफल होना चाहते हैं और अपने आप को असफलता से दूर रखना चाहते हैं, उसकी निराशा से दूर रखना चाहते हैं, तो कंपटीशन अपने आप से कीजिए। ठीक है, पहली चीज जो हमें देखनी है वो ये है कि आपका जो लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं, वही आप बोलेंगे मैम बार बार लक्ष्य की बात करती हैं, लेकिन लक्ष्य बच्चों वाकई बहुत जरूरी होता है हमारे जीवन में, उसको ठीक से निर्धारित करना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। तो लक्ष्य वो निर्धारित करें जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसको आप उच्च वे में हासिल कर सकते हैं, और जो आपको, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे मान लीजिए पिछली बार किसी सब्जेक्ट में कमजोर हूं, मान लीजिए गणित में कमजोर हूं, मेरे पिछली बार 55 अंक आए, मेरी फ्रेंड के 90 अंक आ गए क्योंकि वो बहुत अच्छी है। तो मेरा जो लक्ष्य है वो ये नहीं होना चाहिए कि मुझे भी 90 लाने हैं या मुझे तो 99 लाने हैं या 95 लाने, नहीं, मेरा लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे 65 से 70 के बीच में लाने हैं। ये अचीवेबल है, ये वो लक्ष्य है जो मैं पढ़ाई करके मेहनत करके हासिल कर सकती हूँ, और सबसे जरूरी बात ये वो लक्ष्य है जहां पे मैंने अपनी तुलना अपने खुद के साथ की है और किसी और के साथ नहीं की। तो लक्ष्य को निर्धारित करते समय जो आप एक मेजर लेते हैं, जो एक बेस लेते हैं, वो आपकी खुद की होनी चाहिए, किसी और की नहीं। ठीक है, दूसरा और बहुत जरूरी, बुरे लोगों से छुटकारा पाएं। यहां बुरे लोगों से मेरा मतलब क्या हुआ मैं बहुत ही स्पष्ट कर दूं, क्योंकि अच्छा बुरा भी एक ऐसी चीज है जो हम सबकी अपनी अलग ही परिभाषा होती है। बुरे लोगों से मेरा मतलब है वो लोग जो आपको निराशा की ओर लेके जाते हैं, वो लोग जो आपको इस प्रकार महसूस करवाते हैं कि आप बार बार असफल हो रहे हैं, वो लोग जो आपको आपको आपके लक्ष्यों से कहीं ना कहीं दूर करते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं आपके जीवन में, ऐसे लोग जो आपको लक्ष्य को प्राप्त करने के बीच में बाधा डाल रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में कभी कभी टॉक्सिक पीपल भी कहते हैं, तो उन लोगों से आप कोशिश करिए कि एक दूरी बना के रखें, उनकी बातों को अपने मन पे ज्यादा हावी ना होने दें और आप अपनी दिशा में चलते चले जाएं। रास्ता लंबा ही सही लेकिन उस पे कदम बढ़ाना शुरू कीजिए, अटके मत रहिए, एक जगह पे खड़े मत रहिए, आप चलते रहिए, कोई कुछ भी बोले आप उनकी बातों पे ज्यादा गौर ना दें।
तीसरी और अगेन बहुत जरूरी चीज है ये भी, अपने वास्तविक स्वयं को जाने, ये चीज पहचाने कि आप कौन हैं, आपकी पहचान क्या है। याद है आपको पहली क्लास में आपको बताया था मेरी पहचान के बारे में, तो अपनी पहचान को उजागर कीजिए, फाइंड हु यू आर, अपने आप को ढूंढिए। और सबसे जरूरी बात, समय समय पे अपने आप अपने रिफ्लेक्शंस करते रहिए, समय समय पे आप देखिए कि आपकी प्रोग्रेस क्या हुई है। और आपको बहुत तरीके बताए थे मैंने इस चीज के भी कुछ सेशन पहले, ये भी बताया था कि आप डायरी लिख सकते हैं, लिखिए, आप लिखिए आपको क्या लगता है आपने एक महीने में क्या सक्सेस हुई है आपकी, लिखिए, चाहे वो एक चीज आपने करी हो, कोई नई चीज सीखी, पुराना कुछ कोई टॉपिक था जो बहुत मुश्किल था, आपको पहले समझ नहीं आ रहा था, आप उसके सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे थे, अब आपने ढूंढ लिया, तो ये भी एक छोटी सी सफलता है। इसको लिखते चले जाइए और देखिए कि आप क्या कहाँ तक पहुंच रहे हैं, और ये जानिए कि आप क्या बनना चाह रहे हैं जिंदगी में, आपका अपना खुद का लक्ष्य क्या है। वो लक्ष्य वो नहीं होना चाहिए जो कोई और चाहता है कि आप पूरा करें, वो लक्ष्य वो होना चाहिए जो आप अंदर से खुद से चाहते हैं। और घबराइए मत अगर आपको नहीं पता इस वक्त कि आप क्या चाहते हैं, इतना आसान नहीं होता, तुरंत हमें नहीं पता चलता कि हम क्या चाहते हैं, स्पेशली जब हम स्कूल में होते हैं, 9th, 10th, 11th, 12th वाली जो क्लासेस होती हैं, इतना पढ़ाई का भी प्रेशर रहता है, लेकिन कुछ समय अगर आप निकालेंगे अपने आप को अच्छे से आंकें, तो शायद कहीं ना कहीं बाहर की थोड़ी मदद लीजिए, काउंसलर्स हैं आप, जैसे आपको बताया था आप हेल्पलाइन नंबर पर भी फोन करके इस बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, पूछिए उनसे कि आप क्या कर सकते हैं, और वहां अपने स्वयं को पहचानने के बाद अपने आप से जो प्रतिस्पर्धा आप करेंगे वहां पे आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। अगला, अपने कार्यों की जिम्मेदारी उठाएं। जैसा कि मैंने कहा था, आप जैसा कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि हमने जो किया हम उसका ब्लेम जो होता है ना कहीं ना कहीं दूसरे पे डाल देते हैं। मैं अच्छा नहीं कर पाई क्योंकि ऐसा हो गया, मैं अच्छा नहीं कर पाई क्योंकि पापा ने किताब नहीं ला के दी, मैं अच्छा नहीं कर पाई क्योंकि ये टॉपिक क्लास में पूरा नहीं हो पाया, मैं अच्छा नहीं कर पाई मैम ने पेपर पहले ले लिया। तो ऐसा मत कीजिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज को आप खुद अपनी जिम्मेदारी को लीजिए, जो आप कर रहे हैं, जो आपका कार्य है, एक उसको पूरी जिम्मेदारी से निभाएं, पूरी जिम्मेदारी आप उस पे दें, और फिर आप देखें कि आप में जो एक इम्प्रूवमेंट का पोटेंशियल है वो किस प्रकार बढ़ता चला जाएगा। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि जो आपकी छोटी छोटी उपलब्धियां होती है, जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण भी दिया कि यदि आप कोई सवाल नहीं कर पा रहे थे, कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा था, अब आप कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में भी लिखिए। अपने आप को प्रोत्साहन देना सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। जो प्रोत्साहन आपको बाहर से मिलता है वो कभी मिलेगा, कभी शायद नहीं भी मिलेगा, लेकिन जो प्रोत्साहन आप अपने आप को खुद से दोगे, अपने अंदर से दोगे, वो प्रोत्साहन जिंदगी भर आपके साथ रहेगा और आपको हर वक्त हर कठिन मोड़ पे हर डिफिकल्ट सिचुएशन में मोटिवेट करता रहेगा कि आप आगे बढ़ो। ऐसा बहुत बार होगा कि आपको ऐसी एकदम मोटिवेशन की जरूरत होगी और आपको बाहर से नहीं मिल रहा होगा, तो आपका जो अंदर का एक व्यक्ति है, जो हमारे अंदर छुपा होता है, उससे जो हमें प्रोत्साहन मिलता है वो बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए मेरा तो यही मानना है कि जितना हम लिखते हैं चीजों के बारे में, छोटी छोटी चीजें हम अक्सर जीवन में भूल जाते हैं, तो अपनी छोटी सक्सेसेस जो होती हैं, बहुत छोटी से छोटी सक्सेस को एक कॉपी में लिखते चले जाइए। और जैसा हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, जैसे आपको अच्छा लगे, वापस जाके देखिए और अपने आप को शाबाशी दीजिए कि मैंने ये कर दिखाया है और मैं आगे भी और कुछ भी करके दिखा सकती हूँ, तो ये आपको आगे जाके बहुत मदद करेगा। चलिए अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने आपको तुलना की बात बताई थी, वो बहुत जरूरी होती है सक्सेस एंड फेलियर की जब हम बात करते हैं, बहुत एक महत्वपूर्ण चीज रहती है। इसी प्रकार एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज रहती है जो होती है नियंत्रण का स्रोत। जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है या कुछ बुरा हो जाता है, कोई भी किसी भी प्रकार की जो घटना होती है, तो उस घटना का जो श्रेय होता है हम किसी ना किसी को देते हैं, ठीक है। बहुत जरूरी है ये बात को समझना कि वो जो श्रेय है हम कहाँ दे रहे हैं, क्या वो श्रेय हम बाहर वालों को, बाहर की परिस्थिति को दे रहे हैं, या वो जो श्रेय है वो हम अंदरून अपने आप को देते हैं, कहीं ना कहीं खुद उस चीज का हम समझते हैं कि ये हमारे साथ हुआ है क्योंकि मेरा इस पे कंट्रोल है, तो इसको अंग्रेजी में हम लोकस ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं।
जिसका मतलब ये होता है कि आपकी ये फीलिंग, आप क्या मानते हैं कि आपके साथ जो भी सिचुएशन हो रही है, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को किस हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं और किस हद तक आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है आपके जीवन की घटनाओं पे। तो इसको हम दो प्रकार से देखते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ये समझते हैं कि उनके जीवन में होने वाली जो घटनाएं हैं वो बाहर से कंट्रोल होती है, यानी कि एक्सटर्नल कंट्रोल है। यानी कि कोई परिस्थिति ऐसी हो सकती है, कोई व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो ये निर्धारित करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि उनके जीवन में क्या घटना घटेगी और किस प्रकार से घटेगी। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अपने जीवन में होने वाली सभी चीजों को ये मानते हैं कि जो भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, मैं डिसाइड कर रही हूँ, मेरा कंट्रोल है इस पे। तो मैं आपको और भी, जैसे आपको मैं कुछ उदाहरण यहाँ लिखे हैं, मैं आपको पहले वो बताती हूँ। जैसे जो लोग अपना लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर समझते हैं कि मेरी जीवन में जो भी घटना घटी है वो बाहर वालों की वजह से, परिस्थिति खराब थी, मेरी तो किस्मत ही खराब है, किस्मत पे भी हम बहुत बार दोष डालते हैं, भगवान को दोष देने लग जाते हैं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो बाहर पे हम डालते हैं, जैसे कि कोई बोलेगा क्यों मेरे साथ ही सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अपने भविष्य के लिए कर सकती हूँ, यानी कि मैं कुछ अब कर ही नहीं सकती, सारा का सारा कंट्रोल बाहर है। मैं असफल रही क्यों, क्योंकि तो परीक्षा ही कठिन आ गई, तो मैं क्या करती। तो आपने फिर से जो एक आपका जो डिसीजन फैक्टर है वो कहाँ चला गया, कंट्रोल कहाँ चला गया, परीक्षा के ऊपर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर, या जिस सर या मैम ने क्वेश्चन सेट किया उनके ऊपर कि वो पेपर डिफिकल्ट था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये लोग वो होते हैं जो अपने सक्सेस और अपने फेलियर का जो ब्लेम होता है या जो शाबाशी होती है वो दूसरे पे डालते हैं। ये अपने आप को सक्सेस और फेलियर के लिए बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं देते, या ये अपने आप को बिल्कुल भी श्रेय नहीं देते। तो इनके मुताबिक इनका जो फेलियर है और जो इनकी सक्सेस है, वो भी दोनों चीजें वो इनकी वजह से नहीं हुई, ठीक है। और ये बहुत बार आप देखोगे कि जैसा मैंने बताया, डेस्टिनी पे, भगवान पे, दूसरी जो बाहर की फोर्सेज हैं उन पे डाल देंगे। आज तो वेदर खराब हो गया, आज भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया, है ना, आज हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो वो बाहर की चीजों पे डालते हैं। तो ये तो हुआ बाहरी लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी कि बाहरी नियंत्रण का स्रोत। अब दूसरे प्रकार के भी लोग होते हैं जो वो होते हैं जिनका जो नियंत्रण का स्रोत है वो आंतरिक है। इनके साथ क्या होता है कि चाहे सक्सेस हो चाहे इनका फेलियर हो, ये दोनों का जो स्रोत है, दोनों का जो श्रेय है, ये खुद को देते हैं। मैं सक्सेसफुल हूं अपनी वजह से हूं, मेहनत की थी, हाँ मैं फेल हो गई अपनी वजह से हूं, शायद मेहनत में कमी रह गई थी, शायद ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई। ये जो है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, ये अज्यूम दे, मतलब दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, ये उसको पूरा पूरा उठाते हैं और उसके साथ आने वाला जो भी आप कह लो सक्सेस है या फेलियर है उसका भी श्रेय खुद ही लेते हैं। जैसे कि मैं अपने साथ होने वाली चीजों का नियंत्रण करती हूँ, यानी कि मैं खुद कंट्रोल करती हूँ कि मेरे साथ क्या होगा, मैं किसी और को ये राइट नहीं देती कि वो कंट्रोल करे। तो मेरे को चाहे कितनी कठिन परिस्थिति हो, जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि मान लीजिए 2 हफ्ते में पेपर है और घर में किसी की शादी है, तो भी मेरा रिजल्ट क्या आएगा वो मैं तय करूंगी, क्योंकि मैं तब भी समय निकालूंगी पढ़ाई करने का। तो मैं दूसरे पे, शादी पे या घर के माहौल पे ब्लेम ना करते हुए अपनी जीवन में मैं क्या कंट्रोल कर सकती हूँ उस पे फोकस करूंगी और उसी के साथ साथ अपनी पढ़ाई करके अपना रिजल्ट लेके आऊंगी। और जैसा भी रिजल्ट आए, जो चांसेस है कि अच्छा आएगा अगर आप इतने फोकस्ड हो, तो वो मेरा खुद पे जाएगा, खुद का श्रेय है। अच्छा, दूसरा वो बच्चे ऐसा भी बोलते हैं कि मैं परीक्षा में असफल रही क्योंकि मैं अच्छी तरह से तैयार नहीं थी। फिर इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने एक्शंस की, इन्होंने समझा कि हाँ मेरी वजह से ऐसा हुआ। मैं और ये भी सोचते हैं कि मैं अपना भविष्य निर्धारित कर सकती हूँ, यानी कि मैं खुद बता सकती हूँ, खुद डिसाइड कर सकती हूँ कि मेरे भविष्य में क्या होगा। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा और आपने कहीं ना कहीं सोचा होगा कि आपका नियंत्रण का स्रोत कहाँ पे है, आपका बाहरी स्रोत है या आपका आंतरिक स्रोत है। इसी के साथ साथ आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आए इसलिए ये एक एक्टिविटी है। यहाँ पे 10 स्टेटमेंट्स गिवन है, आप अपने जल्दी से पेपर और पेन निकाल लीजिए और नंबर वाइज लिखिए कि कौन सी स्टेटमेंट आंतरिक स्रोत को दर्शाती है, आंतरिक स्रोत को दर्शाती है, और कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो बाहरी नियंत्रण के स्रोत को दर्शाती है। मैं पढ़ देती हूँ साथ साथ।
पहली है, मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं जीत गया। तो ये आंतरिक है या बाहरी है, अब लिखते जाइए तुरंत। मैं परीक्षा में असफल रहा क्योंकि क्वेश्चन पेपर लंबा था। तो ये बताइए क्या है। मैं अपने जीवन को बदलने की क्षमता रखता हूं। मेरे पास बहुत काम है और इसलिए मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूं। तो ये आंतरिक है या बाहरी है। मुझे इस प्रश्न को हल करने के लिए थोड़ा और सीखना होगा। मैं परीक्षा में असफल रहा क्योंकि मैं अच्छी तरह से तैयार नहीं था। ये तो हमने पहले भी बता दिया है। ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो हम सब बोलते थे कभी ना कभी कि ये प्रश्न ही बाहर से आ गया है। मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं। नेहा ने मुझे पुस्तक नहीं दी इसलिए मेरा होमवर्क पूरा नहीं हो पाया। ये क्या है, आंतरिक है या बाहरी। मैं गणित में असफल होने से बहुत डरता हूं। ये आंतरिक है या बाहरी। तो आप एक बार, मैं आपको कुछ सेकंड्स और देती हूँ, आप देख लीजिए अच्छे से, लिख लीजिए अपने उत्तर, और ये आपको लास्ट में सेशन के हम बताएंगे कि नियंत्रण के स्रोत का आंतरिक था स्टेटमेंट्स का या बाहरी, किनका आंतरिक था और किनका बाहरी था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं सिया की कहानी की ओर। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको दोबारा से एक और कहानी सुनाऊंगी। मैं आशा करती हूँ कि आप प्रिया की कहानी नहीं भूले हैं अब तक, और अब आती है सिया की कहानी। इसकी कहानी भी बहुत मजेदार है। इन्होंने, ये एक सच्ची घटना है, वैसे बता दूं आपको, ये एक सच्ची कहानी है। 2006 में इन्होंने अपनी 9वीं का परीक्षा दिया था और ये परीक्षा में फेल हो गई थी। इन्होंने 10वीं, फिर भी इन्होंने 10वीं की कोशिश करी और प्राइवेट से दिया और ये फिर भी फेल हो गई। इनके लिए बहुत डिप्रेसिंग हो गया था क्योंकि ये देख रही थी कि इनके दोस्त आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो 11वीं में पहुंच गए, 12वीं में पहुंच गए, ये एक दो साल ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए। इन्होंने ये देखा इनके जो दोस्त हैं वो अपना आगे कॉलेज में चले गए, हंसी मजाक कर रहे हैं, अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अपना जीवन बना रहे हैं। ये बहुत ज्यादा दुखी हुई वो सब चीजें देख के। इनके पेरेंट्स ने भी इनको बहुत डांटा डपटा, इनको बहुत बार निराशा का सामना करना पड़ा, डांट हुई, घर में भी डांटा गया बहुत दिनों तक, यहाँ तक कि इनके माता पिता ने इनसे बात तक नहीं करी। कहीं ना कहीं अंदर से सिया टूट चुकी थी क्योंकि ये बार बार बुरी तरह से फेल हुए जा रही थी। इन्होंने ये सोचा अपने मन में कि ऐसी क्या चीज है जो उन दोस्तों के पास थी और मेरे पास नहीं थी। हम सबका दिमाग सेम है, हमें सबको दिन में 24 घंटे मिलते हैं पढ़ने के लिए, तो उन्होंने ऐसा अलग क्या कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाई। ये सवाल के साथ ये सोचते 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 सिया ने अपने आगे बढ़ने का एक अच्छा प्लान बनाया। इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, इन्होंने अपने कुछ पुराने टीचर्स की मदद ली, जो टीचर्स पर ये भरोसा करती थी, जो टीचर्स इनको समझते थे, इन्होंने उनका सहायता ली और उनकी सहायता से एक प्लान बनाया, उनसे गाइडेंस ली, और ये अपने टाइम का सदुपयोग करती चली गई। और फिर ये 10th में, 11th में, 12th में तुरंत एक के बाद एक पास होती चली गई और कॉलेज में गई। कॉलेज में जाके इन्होंने पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई भी करी, इन्होंने उस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया और अब ये कॉर्पोरेट में अच्छी जॉब कर रही है। तो अगर आप देखें कि सिया की कहानी में और प्रिया की कहानी में अंतर क्या था, हमने दोनों कहानी की बात करी है, तो उसमें भी उसने कहीं ना कहीं जो प्रिया की कहानी थी वहां पे वो वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, उसे बहुत कठिनाई हो रही थी। लेकिन अगर आप सिया की कहानी देखें तो इसने वास्तविकता को स्वीकार कर लिया था और ये तुरंत ये आगे नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच गई थी कि अब मैं एक्शन क्या लूं। तो इनका एक्शन ये था कि ये टीचर्स के पास गई, इन्होंने मदद ली, इन्होंने एक स्ट्रक्चर रेडी किया अपनी पढ़ाई के लिए, ये सारी जो चीजें करी ये इनका एक एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच था। जो प्रिया थी, पहली कहानी जो थी, उसमें आप देखेंगे दोषारोपण बहुत ज्यादा कर रही थी वो। जो प्रिया थी वो माता पिता पे, शिक्षक पे, परीक्षा की कठिनाई, इन सब पे दोष डालने लग गई। लेकिन जो सिया थी उसने आप देखेंगे आत्मनिरीक्षण बहुत किया। तो आप देखिए क्या अंतर रहा, क्यों एक इंसान कहीं ना कहीं सफलता नहीं पा पा रहा था और क्यों दूसरा इंसान, दोनों ने असफलता देखी लेकिन दूसरे इंसान ने अंत में सफलता प्राप्त की, तो ये डिफरेंस क्यों आया। इन्होंने आत्मनिरीक्षण किया, अपना सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिफ्लेक्शंस बहुत किए, और दूसरों में गलतियां निकालने के बदले अपने अंदर क्या कमियां थी, क्या खामियां थी तैयारी में, वहां पे ध्यान लगाया और उस पे फोकस करते हुए आगे बढ़ी। प्रिया ने कहीं ना कहीं लास्ट में जाके शायद स्वीकार भी लिया था
कि वो फेल हो रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि वो अपने आप को क्रिटिसाइज बहुत कर रही थी, अपने आप पे आशंका बहुत कर रही थी, अपनी आलोचना में चली गई कि मैं शायद पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी, मैं शायद अब कभी भी गणित में अच्छे नंबर नहीं ला पाऊंगी, मैं पास नहीं हो पाऊंगी, वो इस प्रकार निकल गई कि छोड़ देते हैं पढ़ाई। तो उनका जो एक नजरिया था वो नेगेटिव हो गया, ये हो गया कि चलो पढ़ाई छोड़ देते, नहीं हो पा रहा। लेकिन जो सिया थी उसने फिर से उठने की योजना बनाई, उसने ये सोचा कि मैं जहां जहां मेरी कमी है, खामियां हैं, मैं उन्हें कैसे सुधारूं। वो नहीं चाहती थी कि जीवन भर वो उन कमियों को साथ लेके चले, इसलिए उसने आगे कैसे बढ़ना है वो तरीका ढूंढा। और आप याद कीजिए जो मैंने आपको 5 स्टेजेस बताई थी, शायद दोनों कहीं ना कहीं चौथी स्टेज जो स्वीकारने की स्टेज थी वहां तक पहुंच गई थी, लेकिन सिर्फ ये सिया ही थी जो 5वीं स्टेज जो कि आत्मनिरीक्षण और परिवर्तन की स्टेज है वो सिर्फ सिया पहुंच पाई, प्रिया नहीं पहुंच पाई। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि जो फेल होता है और जो सक्सेस होता है बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है, अगर आप थोड़ी और मेहनत करें शायद आपको सफलता मिल जाएगी। सफलता ऐसा नहीं है कि हमें नहीं मिल सकती, हमें मिल सकती है, इसीलिए ध्यान रखें कि लास्ट स्टेज तक पहुंचे। यदि आप असफल हो रहे हैं तो बीच में गुस्से पे या स्वीकार करने पे तक पे मत सीमित रहें, आगे बढ़िए, परिवर्तन का रास्ता सोचिए। स्वीकार तो कहीं ना कहीं प्रिया ने भी कर लिया था, लेकिन जो वो नहीं कर पाई थी वो था परिवर्तन। तो आप आत्मनिरीक्षण और परिवर्तन दो ऐसी चीजें हैं जो आपका जो बीच का फासला होता है असफलता से सफलता तक का वो तय करने में बहुत मदद करती है। इसलिए आप देखिए मैंने लिखा भी है फेल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। इसको अटेम्प्ट मानिए कि आप कुछ चीज सीख रहे हैं, फेल हुए कोई बात नहीं है, मेरा पहला अटेम्प्ट है, दोबारा से करिए, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, ठीक है, तो उसे करते चलिए। लेकिन ये नहीं कि फेल हुए जा रहे हैं और करे ही जा रहे हैं, उसमें इसका मतलब ये है कि आपने ठीक से आत्मनिरीक्षण नहीं किया। तो अगर आप बार बार कोई चीज में असफल हो रहे हैं तो रुकिए, कुछ समय दीजिए, रेस्ट कीजिए, पॉज कीजिए, ब्रेक दीजिए और देखिए कि क्या चीज है, जो क्या कमियां हैं जो आप पूरी कर सकते हैं। कमियों को देखिए, निरीक्षण कीजिए उन चीजों का, एक विश्लेषण करने की जरूरत है। जहां जहां खामियां हैं उनको फिर पूरा करने की कोशिश कीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि बार बार हमें असफलता का सामना करना पड़े। अक्सर ऐसा होता भी है हमारे साथ, हम बिना निरीक्षण किए करते जा रहे हैं, कोई नहीं मैम ने बोला था दोबारा करना, 3 बार करना, 4 बार करना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए ठहरिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए, देखिए कैसे आप पूरा कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बनाइए और तब आगे बढ़िए। आप देखिए देखिएगा कि सफलता बिल्कुल भी दूर नहीं है। चलिए अब सफलता पाने के भी कुछ तरीके होते हैं, तो क्या तरीके हैं, बड़े सिंपल वाले लिखे हैं मैंने, ज्यादा मेहनत, लेकिन ये आप देखिए कि सिंपल हैं, लेकिन सिंपल होने के साथ साथ वर्क भी करते हैं, बिल्कुल वैलिड तरीका है। सबसे जरूरी है कि आप ये देखें कि असफलता से जो आपको सीख मिली है आप उस पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। तो आप ये मत देखिए कि मैं असफल हो गया उस पे हम रोना लेके बैठ जाए, नहीं, हमें क्या करना है, 5th स्टेप पे जाना है, परिवर्तन तक जाना है। तो आपकी जो असफलता है आपको सिर्फ ये देखना है, मैं फेल हुआ लेकिन मेरी लर्निंग क्या हुई। जैसे बोला गया फेल मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, तो आपकी लर्निंग क्या है, ऐसी क्या चीजें हैं जो आपने इस असफलता के अनुभव से सीखी हैं, और जो भी वो चीजें हैं उन पे अब आप वर्क कीजिए, सफलता की ओर बढ़िए। दूसरा, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल विकसित करना। आपके साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उसका जो केंद्र है वो आप खुद होने चाहिए, ना कि बाहर के लोग या बाहर की परिस्थितियां। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, ऐसा नहीं होगा जीवन में, अगर आप सच अपने जीवन में देखें, ऐसा बहुत ही मुश्किल है कहना, बड़ा थ्योरेटिकल है ये, कि 100% हमारा जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो हमारा आंतरिक होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ये कोशिश कर सकते हैं कि 70-80% जो आपका लोकस ऑफ कंट्रोल है वो आंतरिक हो, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें बाहर से होती रहेंगी, कुछ ना कुछ ऐसे वाक्य होंगे, ऐसी घटनाएं होंगी जो बाहर से भी होंगी। तो आप कोशिश ये कर सकते हैं कि जो बाहर का, जो बाहरी स्रोत है आपका नियंत्रण का, वो आप कम करें और जो आपका आंतरिक है वो आप बढ़ाएं। तो मैं ये नहीं कहती कि आप पूरी तरह से ये सोच लीजिए कि जो भी हो रहा है आंतरिक है, लेकिन हाँ,
कोशिश हम यही करते हैं कि आंतरिक जो हमारा नियंत्रण का स्रोत है वो बढ़ता चले जाए और जो बाहरी नियंत्रण का स्रोत है वो कम से कम हो, बाहर के लोगों से, बाहर की परिस्थितियों से हम कम इफेक्ट हों। जो हम कर रहे हैं, जो हमारी लाइफ है, जो हमारे डिसीजंस हैं, वो सारे के सारे कोशिश होनी चाहिए कि बाहर से ही अपने अपने अंदर से ही गवर्न हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है अपने लक्ष्य की स्थापना करें। जैसा कि मैंने बार बार कहा, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहें, लक्ष्य से ना भटकें और कोशिश करें कि अपने लक्ष्य को कुछ कुछ चरणों में डिवाइड कीजिए। जैसे जैसे आपने बताया था, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इमीडिएट गोल्स जो एकदम तुरंत करने वाले हैं, फिर जो 3-4 महीने में कर सकते हैं, जो 1 साल तक कर सकते हैं, तो इसकी जो स्थापना है ये आप लक्ष्य की स्थापना ठीक से कीजिए और जो आपके गोल्स हैं उनको भी आप प्रॉपरली डिवाइड करके चलिए। और आखिरी और सबसे जरूरी है जीत की तैयारी। और ये लास्ट स्टेप इसलिए है क्योंकि इसमें अपने आप से आपको बार बार पूछना है कि आप क्या कर रहे हैं जो आपको आपके लक्ष्य की ओर लेके जा रहा है, आपको जीतने, सफलता की ओर लेके जा रहा है। यहाँ पे भी सेल्फ एनालिसिस की, विश्लेषण की बहुत जरूरत है। और अगर आप वो तीसरे सेशन वाले स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी जीत की तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी आप वो लिख रहे होंगे, देख रहे होंगे कि आपके क्या गोल्स हैं, आप उसका टाइम टू टाइम विश्लेषण कर रहे होंगे, तो आप ऑलरेडी जीत की तैयारी कर रहे हैं। अब सफलता के मापदंड, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जरूरी है कि ऐसी क्या चीजें हैं जिससे मुझे पता चलता है कि शायद मैं सफल हूं। तो सबसे जरूरी बात यह आती है कि जो सफलता होती है ना, उसके कोई शॉर्टकट नहीं होते, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। हमें लंबे रास्ते से जाना होता है, हमें कठिन रास्ता भी मिल सकता है, बीच में कठिनाइयां भी आ सकती हैं। लेकिन जो जरूरी बात है वो ये है कि हम अपनी खुद की क्षमता को, अपनी लिमिट को, अपनी पोटेंशियल को धकेलने से, अपना बढ़ाने से, एक्सप्लोर करने से ना कतराएं। हम पूरी कोशिश करें कि हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा क्या बोलूं मैं, कि अपनी ज्यादा से ज्यादा अपनी क्षमताओं को पहचान पाएं। तो ये नहीं कि आज अगर आप 10 सवाल कर पाएं तो आप 10 पे ही रुक जाएं, कल 15 करके देखिए, कुछ दिनों में उसको 20 पे लेके जाइए। तो आप छोटा सा उदाहरण, तो आप उसको बढ़ाइए, अपनी क्षमताओं को, अपनी लिमिट्स को पुश कीजिए। एक लिमिट मत बनाइए अपनी, उसको और दूर दूर और बढ़ाइए उसे। कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा चीज को कर पाए। तो वो एक हमारी सफलता का एक कहीं ना कहीं मापदंड रहता है कि आप वो व्यक्ति हैं जो अपनी लिमिट्स को पुश करने से, अपने आप को बार बार टेस्ट करने से नहीं घबराते, अपनी क्षमताओं को पहचानने से आप नहीं घबराते, तो आप सफलता के रास्ते पे हैं। दूसरी और जरूरी चीज, हमारी सफलता में हमारे माता पिता का, हमारे परिवार का और हमारे अध्यापक अध्यापिकाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस से, आप जो करते हैं उससे आपके माता पिता, परिवार वाले, आपके स्कूल के लोग, आपके टीचर्स, ये सब खुश हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा मापदंड है आपके लिए कि हाँ, आप सफलता के रास्ते पे हैं और आप ऑलरेडी सफल हैं, आप उन्हें खुशी महसूस कराने में सक्षम हैं। ये एक बहुत ही जरूरी चीज है जो हम कभी नहीं भूल सकते। तीसरी चीज और बहुत, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि कई लोग होते हैं जो अपने आप को सफल मानते हैं, लेकिन वो बस खुश हैं, मैं सफल हूं, लेकिन और कोई भी व्यक्ति उनको सफल नहीं मानता क्योंकि वो सोसाइटी के किसी भी मापदंड पे सफलता के खरे नहीं उतरते। तो वो शायद थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन बन जाता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, आप नहीं बल्कि आपके आसपास के कम से कम कुछ लोग आपको सफल माने, चाहे वो एक चीज में माने, चाहे स्पोर्ट्स में माने, चाहे डिबेट कॉम्पिटिशन में माने, चाहे आपको वो पढ़ाई में माने, लेकिन कहीं ना कहीं आप और लोगों को भी वो चीज लगनी चाहिए। तो एक बेसिकली वैलिडेशन जो होता है, थोड़े से वैलिडेशन की जरूरत होती है। मैं ये नहीं कह रही कि हमें हमेशा सबका वैलिडेशन चाहिए, पर सफलता की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं छोटे से लेवल पे बाकी लोगों को भी लगना चाहिए कि हाँ, एटलीस्ट आप उस रस्ते पे हैं। और उसके बाद तो अभी यहाँ पे आपने सबको सबसे आपने थोड़ा थोड़ा सफलता का ले लिया, आपका एक फीडबैक ले लिया, लेकिन आप खुद भी बहुत जरूरी हैं उस सफलता को नापने के लिए। तो सबसे जरूरी है कि आज से 5 साल पीछे अगर आप मुड़ के देखें, या 5 ज्यादा है तो 2 साल पीछे मुड़ के देखें, और आप देखें और आप ये कंपेयर करें या ये आंकें कि आपने अब कितनी ऐसी और चीजें हैं जो अब आप सीख चुके हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, पीछे से लेके आगे तक के सफर में 2 साल पीछे जो मैं था और 2 साल अब जो मैं हूं, मैं काफी चीजें सीख गई हूं, तो हाँ, आप सफलता के रास्ते पे हैं और ये एक साइन है कि आप सफल हो रहे हैं।
चलिए, तो जैसा हम बोलते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, लेकिन अब हम ये बोल रहे हैं जो हार के जीता वही सिकंदर। तो आप ये सोचिए कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको आप सिकंदर समझते हैं। सिकंदर का मतलब ये हुआ जो व्यक्ति हार हार के जीत रहा है, जो बार बार हारा है, बार बार गिरा है, लेकिन फिर भी वापस खड़ा हुआ है, उसने आशा का साथ नहीं छोड़ा, उसने निराशा को नहीं अपनाया। ऐसा कौन सा व्यक्ति है, जरा कुछ समय लगा के उस व्यक्ति के बारे में सोचिए। और आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं उनके क्या ऐसे गुण हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, या आपको ये लगता है कि उन गुणों की वजह से ही वो सफल है या सिकंदर बन पाए हैं, उन गुणों को जरा पेपर पे लिखिए। और चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख के बता सकते हैं कि ऐसे क्या गुण हैं जो आपको लगता है कि वो व्यक्ति में हैं, जिसकी वजह से वो सफलता के सफर में रहे हैं और वो सफल हो पाए हैं। 5 गुण, 6 गुण, कुछ भी आप जल्दी जल्दी से लिख सकते हैं। और जब आप वो गुण लिख रहे हो तो आप ये भी देखिए कि ऐसे अब इन 5, 6, 7 जो आपने गुण लिखे हैं उसमें से ऐसे कितने गुण हैं जो आप में भी हैं, ये भी साथ में देखिए। और गोला लगाइए उन गुणों पे जो आप में नहीं है पर आप चाहते हैं कि आप में हों। इससे क्या होगा, इस छोटी सी एक्टिविटी से आपको पता चलेगा कि सफल व्यक्ति जो है, या वो व्यक्ति जो सिकंदर है, जो हारने के बाद भी जीत रहा है, जो वो व्यक्ति जो हारने के बाद भी बार बार खड़ा हो रहा है, परिस्थितियों का सामना कर रहा है, उसके क्या गुण होते हैं। आपको ये भी पता चलेगा कि वो उन गुणों में से आपके आप में वो कितने गुण आप में ऑलरेडी हैं और कितने गुण हैं जो आप अपने अंदर ला सकते हो। अभी बहुत समय है, आप और भी गुण ला सकते हैं अपने अंदर, पर एक छोटी सी इस एक्टिविटी से आपको ये समझ आएगा कि जो जीवन में फेलियर होता है, जो असफलता होती है, वो भी बहुत जरूरी होती है। जो असफलता होती है हमारे जीवन की, वो हमें कहीं ना कहीं पे एक रेजिलिएंट व्यक्ति बनने पे मजबूर करती है, या रेजिलिएंट व्यक्ति बनाती है। अब आप पूछेंगे रेजिलियंस क्या होती है, तो रेजिलियंस ये होती है, ये अंग्रेजी शब्द है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब ये होता है कि मुश्किल हो, जितनी भी मुश्किल आ जाए, आप फिर से डट के खड़े होंगे, आप फिर से, आप कितनी भी बार गिरे, आप फिर से उठेंगे और फिर से लड़ेंगे। ये रेजिलियंस होती है कि बार बार गिर के, ठोकर खा के भी उठना रेजिलियंस है। ठीक है, वो काम आप नहीं, आपको कठिनाई लग, आपको बहुत कठिन लग रहा है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी आप डटे हुए हैं, मैदान नहीं छोड़ रहे हैं, वो रेजिलियंस है। तो चलिए अब आप सोचिए कि आप में रेजिलियंस है, नहीं है, थोड़ी सी है, ज्यादा है। तब तक मैं आपको ये बताती हूँ कि रेजिलियंस दिखती किस प्रकार की है, ताकि आपको समझ आए अच्छे से कि रेजिलियंस कहाँ कहाँ किस प्रकार से होती है। तो प्रतियोगिता में हारने के बाद भी अभ्यास करते रहना, वो व्यक्ति जो हार चुका है प्रतियोगिता में, शायद उसको बोल दिया है कि हम तुम्हें दोबारा टीम में भी नहीं लेंगे, लेकिन वो फिर भी प्रयास करता चला जा रहे हैं, वो रेजिलियंस है। स्कूल में परीक्षा में आप असफल हो गए हैं या आपके कम अंक आए हैं, फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप वो सब्जेक्ट से नफरत नहीं कर रहे, या वो सब्जेक्ट से दूर नहीं भाग रहे, फिर से आप वो सब्जेक्ट की क्लास अटेंड करते हैं, या फिर से आप वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आपकी चाह उस सब्जेक्ट को जानने की खत्म नहीं हो रही है, तो आप रेजिलियंट है, क्योंकि आपको वो असफलता ने तोड़ा नहीं है, गिराया नहीं है। समाज में आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उसको भी रेजिलियंस कहते हैं। घर में मुश्किल और परेशानी स्थिति बनी हुई है, लेकिन आप आस नहीं खो रहे, आपको पता है एक दिन वापस घर में खुशहाली आएगी, वो भी रेजिलियंस है। और आपने शायद देखा, आप जब मैं आपसे ये बातें कर रही हूँ, शायद आपके दिमाग में बहुत से ऐसे व्यक्तियों की छवि आ रही होगी जिनको आप रेजिलियंट मानते हैं, जिन्हें आप सिकंदर मानते हैं। तो आप ये सेशन के बाद भी इस बारे में सोच सकते हैं कि ऐसे क्या गुण होते हैं रेजिलियंट व्यक्ति के, और आप में उनमें से कितने गुण हैं। चलिए अब ये एक एक्टिविटी है जो आपको YouTube पे ही कमेंट्स में करनी है, आपको सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे, तो आपको एकदम बिना सोचे जो आपके दिमाग में आ रहा है सबसे पहले लिखना है। आपको सिर्फ एक लाइन दी जा रही है और उस लाइन को आपको फुल, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है 5 चीजें लिख के। जब मैं परेशानी में होती हूँ तब मैं डैश, आप क्या करते हैं या आप क्या होते हैं, जब मैं परेशानी में होती हूँ तब मैं, तो आपके पास 30 सेकंड का समय है, जितना क्रिएटिव जो भी मन में आए आप लिख सकते हैं। 5 नहीं लिख पा रहे, 2, 3, 1 जो भी आ रहा है मन में प्लीज आप वो लिखिए YouTube में। हम जानना चाहेंगे कि जब आप परेशानी में होते हैं तो आप किस प्रकार से परेशानी से डील करते हैं, क्या करते हैं आप।
चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आपने लिखा होगा और आपने इस पे सोचा भी होगा कि आप जब परेशानी में होते हैं तो आप क्या करते हैं, और आज के सेशन में आपने जो भी सीखा उससे भी आप शायद थोड़ा बहुत लिख सकते हैं आपकी, अब आप आगे क्या करेंगे जब आप परेशानी में होंगे। तो चलिए, ये हम अपने अंत के, अपने ये सेशन के थोड़ा अंत की तरफ आ रहे हैं। अब ये एक चीज थी जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी कि रेजिलियंट तो हम बात कर रहे हैं, सिकंदर बने है ना, गिर के खड़े हों, लेकिन किस प्रकार से बने, उसके कुछ तरीके होंगे सिकंदर बनने के। तो ये पांच तरीके हमने आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला तरीका है सार्थक और सहायक रिश्ते बनाना। ऐसे रिश्ते बनाइए जो आपको सपोर्ट करें, ऐसे व्यक्तियों को आइडेंटिफाई कीजिए जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, जो आपका मजाक नहीं उड़ाते बल्कि आपका सपोर्ट करते हैं। यदि आप फेल हो जाते हैं तो आपको बुरा भला नहीं कहते, पर आपको वो व्यक्ति समझते हैं। वो व्यक्ति आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके परिवार वाले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो वो व्यक्ति जो आपको बुरे वक्त में आपका साथ देते हैं, उन व्यक्तियों से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए। यदि आपको लगता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है आपके जीवन में जो आपको समझ सके, तो आप काउंसलर से भी बात कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बार बार आज सेशन में बता रही हूँ कि हमारी काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर भी है, आप उनसे भी फोन पे बात करके अपनी चीजें, आपके मन की बात जो भी है आप डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहला है रेजिलियंट बनने के लिए ऐसे लोगों का सपोर्ट होना आपकी बैक पे, जो आपको हिम्मत देते हैं, आपको बढ़ावा देते हैं। दूसरा, असफलता के दौरान आसानी से आप हार नहीं मानेंगे। यानी कि आपका जो फोकस होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि मैं हार गया, मैं टूट गया, अब आप बैठ जाए। नहीं, आपका फोकस ये होना चाहिए कि जो कठिनाई है उसको मैं सॉल्व कैसे करूं। तो आप क्रिप करने के बदले, उस बात को लेके रोने के बदले, आप कोशिश ये करोगे कि आप उस प्रॉब्लम को जो आपके सामने खड़ी है उसको सॉल्व कैसे कर सकते हो। बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। कोशिश करो कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। एक्शन लो, स्टेप्स लो, बिहेवियर करो, चेंज लाओ उसमें। तो जो फेलियर है वो रस्ते का पत्थर जरूर हो सकता है, पर रस्ते का अंत नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ, फेलियर आया, एक जैसे स्पीड ब्रेकर आता है, तो स्पीड ब्रेकर पे हम गाड़ी धीमी करते हैं, गाड़ी रोक तो नहीं देते। तो फेलियर भी एक स्पीड ब्रेकर की तरह ही होता है। आपकी गाड़ी जरूर धीमी हुई है, लेकिन आप रुकेंगे नहीं, आप आगे बढ़ेंगे। धीमी स्पीड में बढ़ेंगे लेकिन आप आगे बढ़ेंगे। तो एक्शन लीजिए, सोचिए कि क्या चीजें हैं जो आपको आगे लेके जा सकती हैं। तीसरी और जरूरी चीज, एक दिनचर्या की स्थापना कीजिए। तो दिनचर्या से मेरा मतलब है आपकी ऑलरेडी एक दिनचर्या होगी, लेकिन उसमें आप कुछ ऐसी चीजें लाइए जो आपको पॉजिटिव बनाती है, आपको मजबूत करती है। तो मेरी दिनचर्या का एक बहुत अहम हिस्सा होता है कि मैं अपना एक जर्नल लिखती हूँ, मतलब डायरी लिखती हूँ। मैं अपनी छोटी सी डायरी है जो मेरे मन में आता है, या जो मेरे दिन में घटना घटी, या कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात, या मैंने कुछ अचीव किया, छोटी सी छोटी चीज जो मेरे लाइफ में हुई, मैं उसको लिखती चली जाती हूँ। इसके अलावा आप, आपको जो भी चीज में मजा आता हो, जैसे आपको ड्राइंग करनी है, जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था, मंडला आर्ट कर सकते हो, जेंटेंगल बना सकते हो, जो भी चीज में आपको मजा आ रहा है, आप मेडिटेशन कर सकते हो, व्यायाम कर सकते हो, ये सब जो चीजें हैं, ये आपकी एक दिनचर्या का रूटीन होना चाहिए। क्योंकि ये आपको ये चीज बताती है कि जो फेलियर है वो एक छोटा सा एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का, आपकी पूरी जिंदगी नहीं है वो। ठीक है, जिस भी क्षेत्र में आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है वो सिर्फ एक क्षेत्र है, और वो आपके बड़े से जीवन का छोटा सा पार्ट है। जैसे एक बड़ा सा सर्कल है और एक उसका छोटा पार्ट है। हम क्या करते हैं जब हम असफल होते हैं, हम बाकी सर्कल को भूल जाते हैं और वो छोटे से पार्ट को इतना बड़ा कर लेते हैं। तो जब हम एक पूरी दिनचर्या बनाते हैं तो उससे एक तो हम ये समझते हैं कि वो हमारी दिनचर्या पे असर नहीं कर सकता, हमारी अपनी अलग दिन है, अपनी एक अलग जीवन है, असफलता है, आ जाई है, कल चली भी जाएगी। और दूसरा, वो हमें और रेजिलियंट बनाती है, वो हमें और हौसला देती है, हमें रिफ्रेश करती है, हमें रिजुविनेट करती है कि हम उस असफलता का सामना कर पाए, वापस उठ के खड़े हो पाए और डट के मुकाबला कर पाए। तो दिनचर्या का बहुत ही अहम रोल है। चौथा आता है कि विकास की मानसिकता का पोषण करें, यानी कि ग्रोथ माइंडसेट। आपने अगर देखा होगा कभी इंग्लिश में ये वर्ड लिखा आता है, ग्रोथ माइंडसेट, यानी कि हमारा जो माइंडसेट है, हमारी जो सोच है, वो ग्रोथ की तरफ होनी चाहिए, विकास की तरफ होनी चाहिए, ना कि रुकने की तरफ या हार मानने की तरफ। इसमें एक बहुत अहम चीज आती है, जो आती है कि फ्लेक्सिबिलिटी रखो। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि आज यदि आपको एक क्षेत्र में असफलता मिली है, आपका एक लक्ष्य था, आप लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए,
किसी कारणवश आप उस लक्ष्य में असफल हो गए, तो आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आप अपने लक्ष्य को समय अनुसार एडजस्ट कर सकते हो, उस लक्ष्य को थोड़ा कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, लक्ष्य को बदल सकते हो। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इंसान के जीवन में, वो उसको रेजिलिएंट बनाती है, वो उसको हारने नहीं देती। मान लीजिए मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, किसी कारणवश मैं नहीं बन पाई, ठीक है, मेरा लक्ष्य था मुझे डॉक्टर बनना है, मैं नहीं बन पाई, तो क्या मैं ये देख सकती हूँ कि डॉक्टर के अलावा ऐसी और क्या चीजें हैं जो मैं बन सकती हूँ? तो हो सकता है मैं मनोवैज्ञानिक ही बन जाऊँ, है ना। तो क्या मैं बन, तो मेरा जो लक्ष्य था डॉक्टर बनने का, वो मैंने एडजस्ट करके कुछ और कर दिया और वो मैंने हासिल कर लिया। तो ये भी एक तरह की रेजिलियंस ही हुई कि मैंने असफलता को, असफलता का सामना किया और अपने लक्ष्य को थोड़ा सा बदला और मैंने दूसरे क्षेत्र में सफलता हासिल की। तो ये भी एक तरह से रेजिलियंस ही होती है, जहां पे मैं असफलता से निराश होके सब पढ़ाई छोड़ के घर नहीं बैठ गई। और आखिरी आता है नजरिया बदलना। इसमें सबसे जरूरी बात जो है वो ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि सफलता हो या असफलता हो, जो हमारी खुशी है, जो हमारी अंदर की पॉजिटिविटी है, वो सफलता या असफलता पे निर्भर नहीं करती। और बच्चों, आप मेरा यकीन मानो, मैं आज आपको जो बता रही हूँ ये मेरा खुद का अनुभव है कि इस स्टेज पे पहुंच के मैं ये बात को समझने लग गई हूँ कि यदि मैं सफल हूँ या मेरा कोई चीज हो रही है, कोई कार्य बन रहा है, कोई कार्य नहीं भी बन रहा, तो भी अगर मैं अंदर से खुश हूं तो बहुत सी चीजें मेरी जिंदगी में अपने आप ठीक से चलती रहती हैं। तो एक ऑप्टिमिस्टिक, जो हम कहते हैं ना, एक सकारात्मक सोच रखिए, एक पॉजिटिव सोच रखिए, आशावादी बनिए। हर छोटी बात पे निराशा अगर आप लेके आएंगे तो आप कभी रेजिलिएंट नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि छोटी छोटी असफलता भी आपको तोड़ पा रही है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि बड़ी से बड़ी असफलताएं, लेकिन आप ना टूटे, अपनी सोच पॉजिटिव रखिए। ये हमेशा याद रखिए कि रात के बाद दिन आएगा ही आएगा। इस सोच के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं, अपने ऊपर यकीन रखते हैं और हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं, तो आप अपने आप में ही बहुत ज्यादा एक रेजिलिएंट व्यक्ति कहलाते हैं, सिकंदर कहलाते हैं, क्योंकि जीवन में आने वाली छोटी मोटी या बड़ी बड़ी असफलताएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आपका जो एक व्यक्तित्व है उसको वो नहीं बदल सकती। तो ये हुआ रेजिलिएंट व्यक्ति। अब चलिए, अब आपके लिए जो हमारा एक सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट होता है सेशन का, वो होता है बूझो तो जाने। अब देखते हैं सबसे पहले सवाल कौन बताता है, और मैं अंकित जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें नाम भी बताएंगे उन बच्चों का। अच्छा, यहाँ पे तीन बूझो तो जाने हैं, तो आपको तीनों का नाम बताना है एक साथ कमेंट में, ठीक है। तो पहला है, 1877 में 30 साल की उम्र में उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। वे 10,000 बार एक इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार करने में असफल रहे, 10,000 बार असफल रहे, पर इतनी असफलताओं के बाद भी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का आविष्कार कर दिखाया। ये कौन है? अच्छा, आपको शायद साथ ही साथ बताना पड़ेगा इनका नाम, क्योंकि ये नाम आ जाएगा यहाँ पे। अंकित, क्या आप बता सकते हैं, अगर कोई बच्चा अभी तक बता पाया हो नाम इनका तो? सो आकांक्षा जी, हमारा फीड बच्चों पर के बाद 20 सेकंड के बाद पहुंचता है, तो बता रहे होंगे अभी। जी जी, अच्छा, तो फोटो भी आपने भेजी है। राजीव कुमार ने बताया है, इनका नाम है एडिसन। बिल्कुल सही, इनका नाम है थॉमस एडिसन। वेरी गुड राजीव। चलिए दूसरा बुझो तो जाने। वे एक किसान परिवार से आई थी, 2015 एशियाई चैंपियनशिप में चौथे स्थान पर रही। उनके पिता और कोच दोनों का निधन हो गया। वे लगभग 2 साल तक अपने खेल से दूर रही। 2019 एशियाई चैंपियनशिप में 2.70 सेकंड में दौड़ पूरी करने का रिकॉर्ड बनाया। क्या आप बता सकते हैं ये कौन है? काफी रेजिलिएंट व्यक्तित्व है इनका, बहुत ही जानी मानी स्पोर्ट्स की खिलाड़ी हैं ये। क्या कोई बच्चा बता पाया अंकित जी? जी, एक बच्चा बताया है, पीटी उषा, जो कि डेफिनेटली इनका आंसर नहीं है। नहीं है, इनका नाम है गोमती मारमुथु।
और ये बहुत रेजिलियंट और इतना सब देखने के बाद भी ये वापस सफलता की ओर निकली, और ये बहुत ही बड़ी बात है। और अब आखिरी बुझो तो जाने हैं, करियर शुरू करने से राजनीतिक विफलता तक, ABCL के दिवालिया होने से कुली के हादसे तक, इनकी जिंदगी में ये लड़खड़ाए, गिरे लेकिन फिर से उठकर खड़े हो गए। 2000 के बाद उन्होंने टीवी में KBC से अपनी वापसी करी। फोटो दिखाने की तो शायद जरूरत नहीं है, बच्चे समझ ही गए होंगे अब तक। इनका नाम साथ आ गया, तो ये आई थिंक सब बता चुके होंगे अंकित जी अभी तक। अभी बस 2 सेकंड का मैं और वक्त चाहूंगा, बच्चे ने नहीं बताया है इसको इनको। अब तो फोटो भी ला दिया है आपने इनका, ऐसा नहीं लाया है? नहीं, मैंने हटा दिया था। हटा दिया था आपने जी, थोड़ा सा मुश्किल करने के लिए हटा दिया था मैंने उसको। तो अंजलि का सबसे पहले आंसर आया है अमिताभ बच्चन, राजीव कुमार ने बताया है, माधवी ने बताया है। बिल्कुल सही राजीव जी, माधवी जी, अमिताभ बच्चन ही करेक्ट उत्तर है। अब मैं आपको, आपने जो आपसे एक्टिविटी करवाई थी नियंत्रण का स्रोत की, उसका भी प्रश्न का उनका जो उत्तर है वो आपके सामने है। आप अपने उत्तर मिला के देख सकते हैं कि आपने क्या जो उत्तर लिखे थे वो किस हद, कितने उत्तर सही थे कितने नहीं, आप वो मिला के देख सकते हैं स्क्रीन पे से सामने से। और मैं आशा करती हूँ कि इस सेशन के बाद आप सब नियंत्रण का स्रोत की वैल्यू को समझ गए होंगे, और आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो एक ज़्यादा हिस्सा है लोकस ऑफ कंट्रोल का, वो इंटरनल हो, आंतरिक हो, और आप कोशिश करेंगे कि जो बाहरी लोकस ऑफ कंट्रोल है वो कम रहे। यदि किसी के सारे उत्तर सही थे तो वो बता सकता है हमें यूट्यूब पे कॉमेंट्स में कि उन्होंने क्या उत्तर लिखे थे और क्या उनके सारे उत्तर सही थे या नहीं। और चलिए अब सेशन के अंत में मैं आपको इस एक कोट के साथ छोड़ के जाना चाहती हूँ कि कभी कभी कुछ लोग जिनसे कोई कुछ भी उम्मीद नहीं करता, वे वो काम कर दिखाते हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता। तो यही एक सीख मैं आपको आज के सेशन से देना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि अगर आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो वो परमानेंट है। सफलता और असफलता, कामयाबी और नाकामयाबी, ये एक लहर की तरह रहता है, समुद्र की लहर की तरह है, कभी भी आता है और कभी भी जाता है। तो अपना जो व्यक्तित्व है उसे मत खोइए। अगर असफलता आती भी है तो आप उससे लड़ने का साहस रखें, उसे समझें कि वो क्या है, असफलता को समझें और उसे आगे बढ़ के दिखाएं। तो यहीं पे आज का सेशन समाप्त करती हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सेशन देखने के लिए, और ओवर टू यू अंकित। थैंक यू आकांक्षा जी फॉर द सेशन। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सेशन के लिए, एंड आई सिंसियरली होप बच्चों ने सेशन एंजॉय किया है और इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने लर्न करी। एक सवाल है बिफोर वी एंड द सेशन, जिसमें अशोक पूछते हैं कि ऐसे किसी पर्सन को कैसे समझाएं जो कुछ करना चाहता है बट उसे कितना भी समझा लो वो सो करने के लिए आगे नहीं बढ़ता, वो चाहे पढ़ाई हो या कुछ और। ओके, मैं ये समझ रही हूँ कि यदि वो व्यक्ति ये कुछ करना चाहता है ना अंकित, वो ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति कुछ करना चाहता है लेकिन वो फिर भी नहीं कर पा रहा, तो इसमें बहुत जरूरी है कि वो व्यक्ति को गाइडेंस मिले, वो व्यक्ति को ये बात कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से एक नॉन जजमेंटल वे में ये बात पूछी जाए कि ऐसी क्या चीजें हैं, क्योंकि उनके दिमाग में है कि उन्होंने करना है, ठीक है, वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो उनका थॉट ऑलरेडी ये है, पॉजिटिव थॉट है कि मुझे करना है, तो उसका जो डिफरेंस है, जो थॉट और एक्शन के बीच में जो एक दूरी है वो क्यों है। कोई एक बड़ा व्यक्ति यदि उनके साथ बैठे, उनको समझाए, उनसे प्रॉपरली बात करे और उनसे तर्क वितर्क करके इस जवाब तक, इस नतीजे तक पहुंचे कि ऐसी क्या चीजें हैं, क्या रोड ब्लॉक्स हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो उन्हें रोक रही हैं वो एक्शन को लेने से, वो चीज को करने से, तो आई थिंक कुछ बात बन सकती है।
इसके अलावा उनको एक बहुत जरूरी चीज और भी है कि यदि वे कुछ करना चाह रहे हैं तो उन्हें एकदम से कोई बड़ी चीज करने को मत बोलिए, उन्हें कोई छोटी चीज करने से शुरुआत करनी, इनको बोलिए कि आप कोई छोटी चीज कीजिए। जैसे यदि वो मान लीजिए वो बोलते हैं कि मैं दिन में चाहता हूं कि मैं 4 घंटे पढ़ाई कर पाऊं, तो आप 4 घंटे से शुरू ना कीजिए, 30 मिनट से शुरू कीजिए। तो उनके जो लक्ष्य हैं, ऐसा तो नहीं है कि उनको बहुत बड़ा लक्ष्य दिया जा रहा है जिससे वो एकदम घबरा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे कि मैं कैसे शुरू करूं, कहां से करूं। तो कोई यदि उनकी मदद कर सके, यदि वो खुद नहीं कर पा रहे तो कोई व्यक्ति उनकी अगर मदद करके उनको छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करे, उनको कुछ टेक्निक्स बता दे कि किस प्रकार से वो उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आसान आसान चीजें हैं और ये सारी हमने अपने लक्ष्य वाले सेशन में बताई हैं, बहुत डिटेल में हमने टेक्निक्स ट्रिक्स बताई थी। तो यदि वो छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं तो उनके लिए हासिल करना आसान है। एक बार वो छोटा लक्ष्य हासिल कर गए तो उन्हें खुद मोटिवेशन आएगी, वो इंटरनल मोटिवेशन होगी, बाहर से जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की। तो फिर वो देख सकते हैं कि अच्छा मैं ये छोटी चीज कर पाया, अब मैं एक स्टेप और आगे जा सकता हूं। तो वहां अगर थोड़ी हैंड होल्डिंग उन्हें मिल जाए तो आई थिंक यहाँ पे बात बन सकती है। थैंक यू सो मच, बच्चों को आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है और मैं इनको एनकरेज करना चाहूंगा कि उन्हें सेशन लक्ष्य हर हाल में पाना है, वो जरूर दिखाएं, शायद उन्हें थोड़ा सा गोल सेटिंग में हेल्प मिलेगी। इसी के साथ ही हम आज के सेशन का पे विराम लगाते हैं। आज के सेशन हम ये करियर क्लास में आपके पास लाया गया है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि असफलता जीवन का हिस्सा है, यह विकास के लिए कदम के रूप में कार्य करता है और हमें अधिक अच्छे के लिए पुनः उद्देश्य प्रदान करता है। मुझे पता है कि हम कभी कभी असफलता होने पर हार मान लेना चाहते हैं, मगर आज के सेशन के बाद आई एम श्योर कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे और उसे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये करियर क्लास जो कि युवा जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया, यूनिसेफ इंडिया और आई ड्रीम करियर की एक पहल है। यह भारतीय युवाओं को करियर मार्गदर्शन, नौकरी की तत्परता कौशल और सामाजिक मनोविज्ञान मार्गदर्शन प्राप्त करने में मदद करने के लिए स्टार्ट करी गई है। इसी के साथ ही हमने एक हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है, जिस हेल्पलाइन नंबर पे जैसे अभी जैसे आपने डाउट पूछा, अशोक जी ने डाउट पूछा और आकांक्षा जी ने उसका उत्तर दिया, उस समय कोई भी डाउट हो तो हमारे पास ट्रेंड काउंसलर्स हैं जो इस हेल्पलाइन नंबर पे अवेलेबल हैं। आप उनको कॉल करके अपने सारे के सारे काउंसलिंग, और ये काउंसलिंग बताना चाहूंगा निःशुल्क है, इसके लिए आपको शुल्क देने की जरूरत नहीं है, आप उनसे काउंसलिंग प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर है 0111-408-45167। मैं नंबर दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, 0111-408-45167। करियर क्लास हर सोमवार, हर बुधवार और हर शुक्रवार को शाम को 5 बजे आपके पास लाई जाती है। हमने आपके पास कमेंट में फीडबैक फॉर्म भी शेयर किया है। अब अगर हम फीडबैक फॉर्म भरते हैं और अपने हमारे साथ अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं तो उससे हमको इम्प्रूव करने में हेल्प होगी। इसी के साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि सोमवार को जो कि 13 जुलाई है, शाम को 5 बजे हम लोग सेशन लेके आ रहे हैं, और ऐसी बहुत डिमांड आई थी हमारे पास बच्चों से और हम ये सेशन लाना भी चाहते थे कि करियर ऑप्शन इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्सेस। ये करियर क्लास ली जाएगी एक आर्मी के ही रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर एन प्रवीण कुमार द्वारा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके अंदर आए, इस सेशन को अटेंड करें और आपकी जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि करियर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में कैसे बना सकते हैं या फिर कैसे एंट्री हमें मिल सकती है, क्या क्या डिफरेंट रूट्स हैं, उसका अच्छे से लाभ उठाएं। मैं इसके साथ आज के सेशन को क्लोज करता हूँ और आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। राज करियर पोर्टल से आए हुए हम सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद।